ਸੁਣ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਸੇਵਾ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਤੋਂ। आओ मेरे देश के क्रांतिकारी वीरों, आइए मेरे देश के शूर वीरों, आओ मेरे देश के महान क्रांतिकारी किसान भाइयों, आपका मलेरकोटला की सरजमी का ये लंगर स्वागत करता है। भाईचारे की एकता की मिसाल, देश के अंदर ऐसी मिसाल, ऐसी लहर जो कभी देखने को नहीं मिली, आज इस आंदोलन से पूरे देश के अंदर एक क्रांति आई है, भाईचारा क्रांति। आइए मेरे देश के क्रांतिकारी किसानों, आपका पुल के बिठा कर स्वागत किया जाता है। चावल जो है बिरयानी की सेवा चल रही पई है। आइए 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 मेरे कोटला सिर्फ एक शहर नहीं है, समझा एक बड़ा बड़ा सिद्धांतक पक भी रखता है। तो इतने ये लंगर सेवा जो चलती पई है, धरती का ये लंगर आपका तहे दिल से स्वागत करता है। देसी घी के मीठे चावल, देसी घी का नून का चावल, आओ मेरे किसान भाइयों, आइए मीठे भी हैं। देश के किसानों का आंखें बिछा कर ये लंगर आपका स्वागत करता है। ए मेरे देश के क्रांतिकारी किसानों। हाँ जी भाई साहब, कब से चल रही है सेवा ये? जब से दिल्ली में आए हैं किसान तभी से चल रही है। 26 से ही? यस, 26 से शुरू। जी जी जी। कैसा लग रहा है माहौल? अभी आप बोल रहे थे कि कुछ नया दिया है इस संघर्ष ने हमें, वो क्या नया है? नया भाईचारा जो आपस में विश्वास बढ़ा है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का, ये नया है। और आज ये मुसलमानों ने जो लंगर लगाया है, इसमें तमाम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और पूरे देश का किसान मजदूर आता है और लंगर चख के जाता है। तो जल लंगर खिलाने में इतना मज़ा आता है, ऐसा लगता है कि हम कौन सी दुनिया में आ गए हैं, जो कभी ऐसा नहीं था। आज हम बड़ी हमारी आंखें नम हो जाती है जब हम अपने किसान भाई को खाना खिलाते हैं और वो हमसे खुश होके सब्जी या रोटी या चावल मांगता है और हम उसको डबल डबल खिलाने की कोशिश करते हैं कि वो एक लुकमा एक रोटी और ज़्यादा खा ले। ऐसी मोहब्बत, हम रोटी नहीं मोहब्बत परोसते हैं, सब्जी नहीं प्यार परोसते हैं, और उनको चावल मीठा चावल नहीं उनको ताकत परोसते हैं कि आप अपने आंदोलन पर डटे रहिए, इस देश का हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई गरीब अमीर सब आपके साथ है। बिल्कुल, सारे नाल ने, यही एक खूबसूरती है। मलेरकोटले दे नाल तां वखरा ही संबंध है। मलेरकोटले दे शेर मुहम्मद खान जी ने नशा दा नारा मारिया सी, हां जी, उन्हें शेर मुहम्मद खान ने हां दा नारा मारिया सी भी बच्चा ने की कसूर है, टक्कर लेने सिद्धि हो के लो। हम उस चीज की भर्त्सना करते हैं कि उन्होंने शेर मोहम्मद साहब की बात को भी नहीं माना, लेकिन उन्होंने नारा दिया इंसानियत का नारा, और हमारे जो वो लोग उस तरह की हरकत करके गए हैं उसके लिए तो हम शर्मिंदा हैं। लेकिन अब वो सदियों पुरानी बात है, हम अब उस सब को भुला के भाईचारे की एकता की मिसाल आगे बढ़ाना चाहते हैं। और अब हम ये चाहते हैं कि जहां हमारे किसान भाई, विशेष तौर से पंजाब के किसान का जहां पसीना गिरेगा, वहां हम मुस्लिम समाज के लोग अपना खून बहा देंगे। हम उस एहसान का, हम ये चाहते हैं कि अपनी कुर्बानी देकर हम आगे बढ़े और इस देश की प्रगति और ये देश आगे बढ़ता जाए, इसमें भाईचारा बढ़े, यही हमारी कामना है। तो बिल्कुल भाईचारा वधे, खुशहाली वधे, ते किसानी संघर्ष दे नाल देखो सारा ही समाज जड़ा इत्थे डट के खड़ा ते इत्थे सेवावां जिहड़ियां ने निरंतर चलदियां पईयां ने। ये सेवावां अपने अपने ढंग दे नाल हर कोई वड्डा योगदान पा रहा है। हरी मिर्चें हैं, लहसुन है, प्याज है। शाम का जो लंगर का काम शुरू होगा, प्रसादा बनेगा, उसकी तैयारी उसकी तैयारी हो चुकी है, वो लगभग तैयार हो चुका है। ये हमारे सिख भाई हैं, ये इसकी निगरानी में है, और ये खान साहब हैं, पंजाब के खानसामा मलेरकोटला के, और ये भाई हमारे यहीं के दिल्ली के ही हैं, ये इसकी देखरेख की जिम्मेदारी इनको दी गई है।
ये ऐसा भाईचारे का मिश्रण है कि यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में जो है इस तरह से मेल झोल के काम कर रहे हैं। ये हमारी देग है जिसके अंदर मीठा चावल जिसको जर्दा बोलते हैं और नमकीन नून का चावल जिसको पुलाव बोलते हैं, और इस नून के चावल को वो गोदी मीडिया जो है बिरयानी बोलती है जिससे हमें तकलीफ होती है। हम ये शुद्ध वेजिटेरियन लंगर होता है, यहाँ बिल्कुल शुद्ध होता है, इसमें कहीं जर्रा भर भी कोई किसी तरह की उस तरह की बातें नहीं है, लेकिन वो मीडिया उसको गलत तरीके से देती है। ये हमारे खान साहब जो है मलेरकोटला के बड़े नामी ग्रामीक खानसामा है, और यहाँ पे हमारे ये खाना बनता है, लकड़ियाँ हैं, ये लकड़ियों का ढेर पड़ा है, बहुत सारी लकड़ियाँ, एक ट्रक लकड़ी और आने लग रही है हमारी, और तमाम ये सब्जियाँ इधर आलू की बोरियाँ पड़ी हैं, मिर्चियाँ हमारे पास करीब 6 महीने का राशन एडवांस है, और एक ट्रक चावल हमने बारिश की वजह से ट्रक में ही हमने रखा हुआ है। तो मोर्चे दे विच फर्दर मोर्चे लगे ने, रैलियां हो रही ने। जो हमसे टकराएगा जय जवान जय किसान जय किसान। हरियाणा पंजाब भाईचारा मीठे बोलो, बड़ी सरकार के कानों में जूम रही है, हर भाई रोटी खाओ अंदर अंदर सब। मोदी मुर्दाबाद मुर्दाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, मोदी मर गया हाय हाय, मोदी मर गया हाय हाय, मोदी मुर्दा वाली हाय हाय, मोदी मर गया जान के किसान तले आन के, मोदी मर गया जान के किसान तले आन के, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, मोदी मर गया हाय हाय, पंजाब हरियाणा एकता जिंदाबाद, पंजाब हरियाणा एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद,
पूरा पूरे जोश है जी। वेखो साडे सत्कारयोग भैन जी सारियां इकट्ठियां होईयां। कित्थों आए जी तुसीं? असीं चंडीगढ़ तों आए। मोहाली डिस्ट्रिक्ट। मोहाली तों। ते तुसीं किवें एसोसिएटेड हो? सारा सारे असीं नेड़े तेड़े फ्रेंड्स आ। अच्छा जी। जिहड़े रहिंदे आ साडे आंढी गुआंढी असीं सारे। अच्छा जी। ते असीं सारे इकट्ठे हो के अज इत्थे असीं अपने किसान भरावां दा जिहड़ा हैगा साथ देण आए आ। ते असीं हुण इह जिहड़ी जंग आ सारे जित के जावांगे। ठीक है, असीं पिछे मुड़न वाले नहीं है। असीं जिहड़ी हैगी सेंटर सरकार आ उहनूं हुण सबक सिखा के पिछे हटांगे। अज असीं आए आ, साडे बच्चे जिहड़े ਹੈਗੇ ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਣਗੇ ਕੱਲ ਨੂੰ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਚਲੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਡਟ ਕੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਡਟੇ ਰਹੋ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸੁਸਾਈਡ ਵਗੈਰਾ ਆਪਾਂ ਉਹ ਹੌਸਲੇ ਪੂਰੇ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੌਸਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਰੇ ਹੀ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ, ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਸ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਕਦਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਡੀਕਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਿੱਛੇ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਉਡੀਕਦਾ। ਆਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀਰਾਂ ਸੁਸਾਈਡ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਆ, ਜੂਝਣਾ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਸਭ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਆ ਸਕੀ ਹਾਂ, ਮਨ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਆਤਮਾ ਇੱਥੇ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤੀਰਥ ਹੈ, ਇਸ ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਕਿਤੇ ਮੰਦਰ ਮਸਜਿਦ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਤੀਰਥ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਖੱਟਿਆ। ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ। ਮੇਰੀ ਸਭ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾ ਕੇ ਜਾਣੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਵੇਖੋ ਭੈਣਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਆਈਆਂ, ਸਾਰੇ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆਪਣਾ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਵੀਰ ਭਰਾਓ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇੱਕ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੋਂ ਭੈਣਾਂ ਆਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭੈਣ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ ਨਾ, ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਗੇੜਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਆਪ ਕਿਆ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੇਂਗੇ ਜੀ? ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਜਿਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਯੇ ਪਰੋ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਯੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪਰੋ ਹੈ ਜੈਸੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਪਰੋ ਥਾ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਜੈਸੇ ਜੋ ਨਮਕ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਆ ਥਾ, ਯੇ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਅਗਰ ਜੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਮੇਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਕਾ ਭਾਈ, ਚਾਹੇ ਕੋ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਵਪਾਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ, ਅਗਰ ਅੱਜ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਸਪੋਰਟ ਮੇਂ ਨਹੀਂ ਖੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਅਦ ਮੇਂ ਬਹੁਤ ਪਛਤਾਏਗਾ। ਜਬ ਉਸਕੋ ਪਤਾ ਚਲੇਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਲੁੱਟ ਚੁੱਕਿਆ, ਦੇਸ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਨੋਂ ਕੇ ਕਬਜ਼ੇ ਮਾਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਅੱਜ ਸਭ ਭਾਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਹਾੜੀ ਲੇਤਾ ਹੈ, ਮਰਜ਼ੀ ਸੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਵੇਚਤਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਇਹ ਬਕਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਜੋ ਨਾ ਹਮ ਖੋਲ ਦਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੁਲਾਮ ਕਰਨੇ ਕੇ ਵੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਔਰ ਹਮ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਕਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਮਾਨਨੀਯ ਉੱਚਤਮ ਨਿਆਲਿਆ ਕੋ ਵੀ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਵਾਂ ਹਾਂ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਕਿਆ ਵਾ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਹੀ ਕਿਤਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਔਰ ਅਬ ਨਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਗਏ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰ ਦੇ ਗਈ ਆ ਸਰਕਾਰ, ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਾਜ ਅੱਠ ਪੇ ਤੁਲ ਗਿਆ ਮੋਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਇਹ ਮਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਜਬ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਮੁੜ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਅੜ ਜਾਏ, ਅਰੇ ਤੂੰ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕਰੇ, ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਅੜੇ ਕੋਈ? ਤੇ ਅਬ ਤੱਕ ਜੋ ਕੁਛ ਇਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਤਾਲੀ ਵਜਾਓ, ਤਾਲੀ ਵਜਾਈ, ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਰੀ, ਵਾਹ ਉਟਲੀ, ਕਰੋਨਾ ਮੈਂ ਲੋਕ ਲਵਾਏ ਵੇ ਉਟਲੀਏ, ਬਾਈ ਔਰ ਮਸਾਲ ਜਲਵਾਈ ਵੇ ਜਲਾ ਦੀਏ, ਦੀਏ ਜਲਾਏ ਵੇ ਜਲਾ ਦੀਏ, ਅਬ ਇਸਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਤੇਰੀ ਮੁੱਠੀ ਮਾ ਗਿਆ ਰੀ, ਵੀ ਉਹ ਜੋ ਅਡਾਨੀ ਅੰਬਾਨੀ ਕੇ ਲੀਏ ਇਸਨੇ ਸਭਕੋ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਨੇ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ, ਤੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚਾਹੀਏ ਬਈ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੋ ਬੁਲਾਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਕੋ ਨਿਰਸਤ ਕਰੇ, ਨਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਏ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਹਰਿਆਣਵੀ ਪੱਗ ਦੇਖੋ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਐਵੇਂ ਬੰਨਦੇ ਸੀਗੇ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੀ ਬੰਨਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਬੜੀ ਇੱਥੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮਾਹੌਲ ਹੈ,
साढ़े सारे डटे बैठे ने लठा कोल ने। अभी पता चला है जी कि 26 जनवरी को वो हरियाणा में कोई एमएलए मंत्री को झंडा लहराने के लिए तैयार नहीं है, वो डर गए क्या 26 जनवरी को? हाँ, ऐसा है ना जी, ये किसान एकता का बल है और किसान के साथ साथ हर वक्त वर्ग खड़ा हो गया है। वो किस लिए खड़ा होगा उनको पता चल गया, अगर जो खेती प्राइवेट सेक्टरों में चली गई तो देश बर्बाद हो जाएगा, भूखमरी की कगार पे आ जाएगा, क्योंकि बड़े पूंजीपति भूख को नहीं देखेंगे, वो अपना मुनाफा देखेंगे। तो इसलिए हर वर्ग खड़ा होगा। तो किसान ही है, लंगर लगा देगा, पूंजीपतियों से नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। ऐसा है जी, आपने लॉकडाउन में नहीं देखा क्या? लॉकडाउन में एक दूसरे भाईचारे ने सहयोग कराया, सरकार कहाँ आ गई थी? ऐसा है ना, देश की स्थिति कहाँ आ गई सिंह साहब? देश की स्थिति वहाँ आ गई, लॉकडाउन में देखा नहीं? दारू से देश चला रही है सरकार, कमाल हो गया, कितना नीचे। ऐसा ये बताते नहीं लोगों को, वेदों शास्त्रों का ये देश है। देखो ना, जब लॉकडाउन लगा था सबसे पहले इन्होंने संभलने के लिए दारू खोली ना दारू, सारा देश जानता। तो अरे अब तो समझ जाओ भारतवासियों कि तुम्हारा देश कहाँ जा चुका, इस जुमलेबाज ने कहाँ पहुंचा दिया हमें, इसने 65 साल पीछे कर दिया, 70 साल पीछे, मैं बार बार यही कह रहा हूँ और लोगों की समझ में नहीं आती। और ये खेती बाड़ी भी पूंजीपतियों के हाथ में चली गई बागडोर है, तो देश मतलब भूखा मर जाए, भूखा मार देंगे देश को। हाँ, तो ये बात समझने वाली है। ये तो जुमले ऐसा है, देखो जब इसने नोटबंदी करी, जब क्या सपने दिखाए गरीब आदमियों को, गरीब आदमियों को सपने दिखाए कि बड़े बड़े पूंजी आदमी पूंजीपति तुम्हारे बर्तन धोएंगे आके, लोग खुश हो गए, हम भी खुश हो गए, ओ हो ये तो ऐसा काम कर दिया, बड़े बड़े लोग हमारे कपड़े धोएंगे, बर्तन मांजेंगे, हमारे पैर दबाएंगे। इसने जुमलेबाज ने कोई भी अब किसानों को क्या सपने दिखा रहा है भाई, तुम तो जो किसानों को सपने दिखा रहा है कि तेरे से अमीर आदमी कोई नहीं होगा, हमने ऐसी चीज बना दी है, बस ये तो सपने दिखा गए और 60-70 फीट नीचे गो देता है आदमी को। तो भाई देशवासियों, हालत देखिए ऐसी है कि गुस्सा भी आ रहा है, हंसी भी आ रही है, हंसी आ रही इसलिए आ रही है ना, सुन तो लो, हम भी इसके उसमें आए ना, हमने भी इसको वोट दिया ना, हम तो इसको समझ गए। तो मैं देशवासियों से बाकी सब से ये अपील करना चाहता हूँ, अरे तुम भी समझ जाओ भाई, हम बर्बाद हो चुके, हम बर्बाद हो चुके, इसने बर्बाद कर दिया हमें। और ये जीने से अगर जो ये चली गई इनके हाथ में, ऐसा है किसान तो अपना पेट पाल लेगा अपने बच्चों का, हमें चिंता पूरे देश की है, हम पूरे देश के लिए बैठे हैं यहाँ, खाली अपने लिए नहीं बैठे, पूरा देश भूखा मर जाएगा। पूंजीपति कभी गरीब आदमी की भूख को नहीं देखता, वो अपने मुनाफे को देखता है। बिल्कुल, जेड़ा भी काम कॉर्पोरेट दे विच चला जांदा, मैं एक मिनट सर, आपां जानदे आं कि जेड़ा कोई चैरिटेबल हॉस्पिटल होएगा किसी संस्था वालों चलाया जा रहा होएगा, उत्थे तां चलो कोई गरीब नूं भी भर्ती कर लेंदे, कॉर्पोरेट दे विच कहिंदे पहलां 1,00,000 रुपया काउंटर ते जमा कराओ, फिर मरदा मरीज अंदर पड़ा, मरदा मरीज फिर दाखिल होएगा जे तुसीं 1,00,000 रुपया जमा कराओगे, ते उहनां कॉर्पोरेटां तों की आस कर सकदे आपां। ये सोचण वाली गल है, कल्ले किसानां दी गल ना समझो, जिहड़ी ये गल कह रहे ने ये समझण दी। ये आप मैं हरेक देशवासी से पूछना चाहता हूँ, आज जो लोग हमारी खिलाफत कर रहे हैं वो क्या पोस्ट डालते थे, हम भी उसका समर्थन करते थे भाई। ये सरकारी अस्पतालों का है ना विरोध होना चाहिए, ये ज्यादा पैसे ऐंठते हैं सरकार, वो प्राइवेट अस्पताल, प्राइवेट स्कूलों का विरोध होना चाहिए, ये ज्यादा फीस लेते हैं, है? वो समझ में नहीं आ रही उन लोगों के हर एक सरकारी सेक्टर के पास प्राइवेट सेक्टर खड़े करके सब कुछ बर्बाद हो चुका है ना। तो इसके खेती के सामने तो कोई सरकारी भी सेक्टर नहीं है, दूसरा ऑप्शन भी तो नहीं है, क्या खड़ा करोगे, कहां से खाओगे अनाज, एक पूंजीपति के हाथ से लेके खाना पड़ेगा। जब सब कुछ उसने बिठा दिया प्राइवेट सेक्टर ने, हमारी सारी सरकारी वो बिठा दी, तो
आम आदमी को कहाँ छोड़ेंगे वो? बिल्कुल, आम आदमी को फिर एक गोभी का फूल 80 रुपए में खरीदना पड़ेगा, जो छह सौ रुपए में अभी वायरल हुई थी वीडियो जो 600 रुपए में कॉर्पोरेट वो बेच रहे थे, तो आप सोच सकते हो क्या होने वाला है इस देश का। बिल्कुल देखो, तो हमने भी वोट दिए थे उस टाइम, हमने भी सोचा किसान एकता, किसान एकता, किसान एकता, मोदी मुर्दाबाद, 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 मोदी सरकार मुर्दाबाद। अगर जो मैं सभी देशवासियों से कहना चाहता हूँ, अगर जो ये आंदोलन फैल हुआ और सरकार की जीत हुई, तो जैसे अंग्रेजों से 200 साल में संघर्ष करना पड़ा था ना पीछा छुटाने के लिए, उसी तरह हमारे आने वाली पीढ़ियां खत्म हो जाएगी, इन पूंजीपतियों से पीछा नहीं छूटेगा। हाँ, फिर जब ऐसा फिर हमें कुर्बानी देनी पड़ेगी, तो संभल जाओ, इनको भगाओ यहाँ से और इस पे बात पे जोर दो, प्रधानमंत्री ये काले कानून वापस ले। बिल्कुल, तो ये नौजवान बात कर रहे थे, क्योंकि अभी जैसे जो अभी माहौल है सभी लोग समझ चुके हैं। हम भी इसके साथ थे उस टाइम, नोटबंदी की हमने सोचा क्या पता कुछ तो होगा, लॉकडाउन किया हम उसके साथ थे, लेकिन अब हम इसके साथ नहीं है, तो हम किसान यूनियन और पूरे देश को एकजुट होकर इस आंदोलन को कामयाब करना है। इससे पहले भी कई आंदोलन हुए जो कामयाब नहीं हुए, इसके रीज़न क्या है, इन्होंने ही फूट डाल दी उसके अंदर, अपने बंदे भेज दिए और वो ताना सही कर दी, तो अब इसको ऐसा नहीं होने देना है, आराम से भाईचारे से इस आंदोलन को कामयाब करना है। जय हिंद। मोर्चे लगते रहे ने, पर इन्हों कामयाब करना बड़ा एक योजनाबद्ध तरीके दे नाल, बड़े क्रमे दे नाल। तो एक टेंट इत्थे होर लगाया गया, जिथे जिथे भी जरूरत होंदी है उत्थे ये सेवा तुहाडी जिहड़ी पहुँचाई जाती है। सो इत्थे जरूरत सी, काफ़ी अहम जगह इत्थे सांझी सत लगती है रोज़ाना शाम नूं 6 to 8 PM तक विचार चर्चा होंदी है, ते बड़े सियाने नौजवान बच्चे बजुर्ग सारे इत्थे एकत्र होंदे ने। सो इन्हां नूं थोड़ी प्रॉब्लम सी कुछ बीबिया भैणां दे वास्ते, लेडीज़ दे वास्ते इन्हां नूं घाट सीगी इस चीज़ की। सो एक ये टेंट जिहड़ा वा ये वड्डा जिहड़ा फुल साइज़ जिहनूं आपां कह सकदे हां 10x20 feet का ये इत्थे लगाया गया। सो आपां देख सकते हैं कि इहदा एंट्री पॉइंट जिहड़ा बैक साइड तो असीं रख्या होया ताकि आराम दे नाल जिहड़ा यूज़ किया जा सके। सो ये साढ़े वीर जी ने लाउण दे माहर, की नाम बाबा जी? भाई खालसा, भाई जी फतेह। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਲਾਉਣ ਨੂੰ? ਬਸ 15-20 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਨ 'ਚ, ਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਭੇਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਨੌਲੇਜ ਤਾਂ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਠੀਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਲਗਾਏ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ, ਤਰਨ ਤਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ, ਸਾਡਾ ਡੇਰਾ ਹੀ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਮਾਰਕੰਡਾ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਡੇਰੇ ਸਾਡੇ ਸੰਚਾਲਕ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਡੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੈਂਡਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਟੈਂਡਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣੇ ਨੇ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਪਲਵਲ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਆਏ ਜੀ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਿੱਕਰੀ ਵੀ ਗਏ ਜੀ, ਟਿੱਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸਾਂ ਜੀ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨਪੁਰ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਫਿਰ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਹ ਲੈ ਕੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨਪੁਰ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈਏ ਜੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਰੈਡੀਮੇਡ ਕਮਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਕਾਫੀ ਅੱਛੀ ਹਾਈਟ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਕਰੀਬ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਿਨੀਮਮ
7 फुट ये भी होएगी, इतना तो 8 फुट है। सो ईजीली बंदा ये खड़ा होकर अगे मूव कर सकता, थले बैड ला सकते, थले बिछाण दे वास्ते भी ये तरपाल हैगी है नाल ही। सो ये पूरा एक अच्छा टेंट, वाटरप्रूफ, एयरप्रूफ, इस ढंग दे नाल कोई बहुती बाहरों ठंड वगैरह का भी काफ़ी कंट्रोल हो सकता है। सो इस ढंग दे नाल जो संगत एड दे राही ये सेवा चलती पई है, तो वक् वक् जगह पर जिते जिते जरूरत है उत्थे सेवा पहुँचाई जा रही है। सेवावान ने जी, ये जिमीदार हूँ किन्नू भी मंडी जा रहे हैं, फाजिलका तो आया जी, उधर अपना किन्नू हुंदा इन्हां दा, तो अपन देख सकते हैं तरह तरह दी सेवावां चलदियां पईआं। आ देखो जी अपना अपना खेतों का किन्नू लैके आया जी, तो वेखो फाजिलका का किन्नू जिहड़ा इत्थे लैके आए ने वीर, हाँ किन्नू वंडते पए ने। सो ये टेंट जिहड़ा इत्थे मेन रस्ता जिहड़ा जा रहा है ना जिहड़ा पंजाब तो आउंदा सीधा बॉर्डर ते पहुंचदा सिंघू बॉर्डर, हाँ सिंघू बॉर्डर वल, ते साडे नाल सरदार अमरजीत सिंह जी ने पहला भी आपां इन्हां नाल गल कीती सी, ते लंगर छक के जा वीर है तो मैनूं गल भुलदी नहीं इन्हां दी, प्रशादा छको यार, प्रशादा छको यार, प्रशादा छको यार, खबर जिहड़ी मर्जी ला, खबर जिहड़ी मर्जी ला, सत वचन जी, सत वचन। सो बिल्कुल इत्थे बड़ा अपनापन है जी, सब तो वड्डी गल जिहड़ी है ना इत्थे जदों भी आपां किसे नूं भी मिलदे चाहे छोटा बच्चा है तो जवान है बजुर्ग ने सम उमर ने, सो एक बड़ा अपनापन है। सो ये सेवा जिवें संगतां दे सहयोग दे नाल एक टेंट इत्थे लग्गिया, ते किवें महसूस करदे हो ये जिहड़ी सेवा संगत एड वल्लों कीती गई है? संगत टीवी का बहुत बहुत धन्नवाद, जिहड़ियां साडियां ग्राउंड लैवल दियां खबरां साडे संघर्ष दियां किसानी संघर्ष दियां खबरां एन आर आई वीरां तक पहुँचदियां, और एन आर आई वीर साडे हर टाइम साडे किसान वीरां दी हैल्प करन नूं तत्पर रहिंदे आ, और उन्हां दा बहुत बहुत धन्नवाद। और सानूं इस टेंट की जरूरत सी क्योंकि साडे वूमन डे 18 तरीक नूं आ रहा, साडियां माइयां भैणां बीबियां साडे घरां तों पिंडां चों आ रहियां उन्हां दे सौण वास्ते, और साडियां बीबियां भैणां मातावां दे मन विच इह आ वी असी किते होटल जां किसे होर जगह नहीं रहना, असी उत्थे ही रहना जिथे साडे घर वाले सौंदे आ, साडे बच्चे आ उत्थे सौंदे आ। सो मैं संगत एड यूके वालियां दा बहुत बहुत धन्नवाद करदा, सानू इस दी बहुत जरूरत सी और अज इह साडी जरूरत महसूस पूरी हुई है। कोई इस जगह पर मैं गुरप्रीत भाजी के नाल भी यही गल करता सी भी परमात्मा कोल कुछ घाटा नहीं, एक बस मूँह चो कढ़न की लोड़ आ भाई की चाहिए उस टाइम पूरी हो जाती। साडे बच्चे बांसा का इंतजाम करते फिरते सीगे, बांसा वाला तंबू ला लीए, तो ऐसी महाराज की कृपा हुई गुरप्रीत भाजी साढ़े मेरे नाल जिहड़े खड़े हुए आ मैनू तुरे आउंदे टकरे और कहिंदे भी टेंट तां नहीं किते चाहिए, मैं कहा जी मैं तां पता करके आया भाजी, मन भर जांदा यार, बाबा नानक मेरा इन्ना दयाल आ मतलब क्या नहीं कुछ भी जा सकता। और देखो आप तुसीं कैमरे च देखिया ही आ, संगत एड वालों यूके वालों पूरी साडी मन दी रीझ पूरी हुंदी, कुछ खाण नूं होवे तां पूरी हुंदी। साडा इक बंदा कहिंदा यार अज पकौड़े खाणे आ, अगे पकौड़िआं वाला लंगर चलदा पिआ जी, पकौड़े खाधे, मैं कहा जी मन भर जांदा
बहुत मन भरदा कई वारी तां किसे खूंजे च बह के रोण नूं दिल करदा वी इस मेरे बाबे नानक दीआं केड़ियां करामातां केड़ियां खेडां खिडा रहा इहो और केड़े जलवे दिखा रहा मैं संगतां नूं दसणा चाहुंदा वी इस संघर्ष दे विच असीं हत्थां दे सरों जमा के देखी जिस चीज़ की लोड़ और थोड़े सारे दे संजोग दे नाल मैं इन्हे वीर का धन्यवाद करदा कि साढ़े वो हस्पताल खोलिया होया विच ते वो एक साडा इरादा होया जिहड़ी सेहत दीआं मुश्किलां जिहड़ियां आ रहीयां ने उहनूं लै के जिहड़ा उद्यम उपराला कीता गिआ सी अगली गल मैं समझदा उत्थे जा के ग्राउंड लैवल ते जो भी इत्थे दीआं संगत टीवी वल्लों खबरां दिखाईआं जांदीआं ग्राउंड लैवल ते दिखाईआं जांदीआं कोई उह नहीं गोदी मीडिया बकाऊ मीडिया नहीं है साडे भैण भरा आ यार किहड़ी गल करीए मन भर जांदा भैण भरा साडे उह आ जिहड़े दिलों हमदर्दी लै के साडे मोढ़े ना मोढ़ा जोड़ के और किसानां दीआं मुश्किलां नूं समझदे होए इस संघर्ष नूं एक वर्ल्ड लैवल दा अंदोलन बना दित्ता मेरे NRI वीरां ने और साडे जिहड़े जिहड़े साडे मीडिया वाले आ और साडियां सच्चियां खबरां लाउंदे ये मेरे ये वीर ना होंदे मेरे सोशल मीडिया वाले जां साडे लोकल मीडिया वाले जिहड़े ग्राउंड लैवल ते खबरां दिखाउंदे संगत टीवी वाले बाकी भी सारे मेरे वीर जिन्नियां खबरां दिखाउंदे जे ना होंदे तां ऐसलां नूं ये मोदी गोदी मीडिया ने साडा संघर्ष कदों दा फेल कर देना दब लेना सीगा पर इस टाइम तुसी वीर थोड़ा सलूट आ थोनू प्रणाम आ कोट कोट धन्नवाद आ थोड़ा और ढेर सारा प्यार बहुत ज्यादा प्यार सचमुच प्यार डुलदा है ए प्यार डुलदा पिया इत्थे सारा प्यार तुहाडे वास्ते आ जिहड़े तुसी संगत एड दे जरिए सेवावां भेजदे हो वेखो इत्थे लगदियां ने और ग्राउंड लैवल ते सारा कुछ ग्राउंड लैवल ते तुसी देख रहे हैं कोई ऐ नहीं भी फॉर्मेलिटी आ जां कोई आया अपनियां फोटो बना के जां वीडियो बना के पातियां नेट ते इस ग्राउंड लैवल दीआं तुसी जिहड़ियां खबरां तुहाडा सारे NRI वीरां दा UK वाले वीरां दा सारिआं दा बहुत बहुत धन्नवाद जिहड़ा तत्पर साडी सेवा लई रहिंदे आ मैं कोट कोट धन्नवाद करदा सारे वीरां दा फौजी नूं बार्डर दे उत्ते लड़न वास्ते खुराक दी और असले की लोड़ होंगी और दोनों चीज़ें तुम साड़ियाँ पूरी कर रहे तुम NRI वीर बैठ के अपने डटे रहो उत्थे असी है इतने जिस दिन जरूरत पई थोनू बाज मार लवेंगे पर जिनी देर असी है थोनू फिक्र करन दी लोड़ नहीं है थोड़िया जड़ा इतने बहुत मजबूत आ और थोड़िया जड़ा नू हिलन नहीं देंदे असी जिनी देर साह च साह आ हुण तां भाजी होर मजबूत होई जांदी बहुत ज़्यादा समझदा कि ਆ ਜਿਹੜੀ ਨੇਤੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਚੱਪੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਭਾਜੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 64 ਦਾ ਜੰਮਿਆ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੰਮਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਮਰਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਹੋਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਡੀਕਲ ਏਡ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਾਫੀ ਬਿਮਾਰ ਆ ਸੱਠ ਅੱਠ ਫੁੱਟ ਬਹੁਤ ਹੈ ਸੋ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਭਾਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਾਜੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਬਿਲਕੁਲ 24 ਘੰਟੇ ਖੜੇ ਨੇ ਜੀ 24 ਘੰਟੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 1 ਵਜੇ ਨਿਕਲੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਮਿਲੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਮਿਲੇ ਰਾਤ ਸੋ 24 ਘੰਟੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਸੋ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇਹ ਬਾਬੇ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਇਹ ਖੇਡ ਵਰਤਦੀ ਪਈ ਆ कल्याण अनंत रूप
ਹਰੀ ਕਲਿਆਣ ਆਨੰਦ ਰੂਪ ਹੋਈ ਹੈ ਹਰੀ ਕਲਿਆਣ ਆਨੰਦ ਰੂਪ ਹੋਈ ਹੈ ਉਭਰੇ ਬਾਲ ਗੋਪਾਲ फैसिलिटीज की गल इत्थे बड़ी जरूरी है ते जेड़ी कि पहला फ्री मेडिकल कैंप के तौर पर चलता पिया सी मेडिसन देंदे सी जां होर टेस्ट वगैरह छोटे मोटे होंदे सी ते हुण थोड़ा जिहा होर एक्सटेंड किया इहनूं एक कह लो जिदा फौजियों का होंदा ना कैंप होस्पिटल कुछ उस टाइप की चीज़ वीरां ने डिजाइन की है। सो इत्थे अपने कोल सत्त बैड ने ਪੋਰਟੇਬਲ ਹੈ ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ECG ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਗਏ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਲਈ ਜਿਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨੀ ਪੇਨ ਬੈਕ ਪੇਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਦੇ ਟੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੇ ਆ ਕੱਲ੍ਹ ਮਸ਼ੀਨ ਵੀ ਆ ਜਾਣੀ ਆ ਲੈਬ ਦੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਤਾਂ ਜੋ CBC ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਨੂੰ ਅਰਜੈਂਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੋ ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋ ਜਾ ਕਰੂ। ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਫ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਜੋ ਦੋ ਸਟਾਫ ਨਰਸਿਸ ਨੇ ਦੋ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜੋ ਔਨ ਸੈਲਰੀ ਬੇਸਿਸ ਨੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪਿਸਟ ਹੈ ਵੀ ਸੈਲਰੀ ਬੇਸਿਸ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਲੈਬ ਲਈ ਸਟਾਫ ਨੇ ਜਾਂ ਫਾਰਮੈਸੀ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸਟਾਫ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਫਾਰਮੈਸੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉੱਧਰੋਂ ਜਿੱਦਾਂ 4 ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਦੋ ਦੋ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਇੱਥੇ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੁਕਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਖੈਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਦਿਨ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 14-15 ਦੇ ਕਰੀਬ ਐਮਰਜੈਂਸੀਜ਼ ਆਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਮੇ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ, ਸਟੋਨ ਪੇਨ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੇ ਜਾਂ BP ਲੋ ਜਾਂ BP ਹਾਈ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨੇ। BP ਹਾਈ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਜੋ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਬਹੁਤ ਦੂਰੋਂ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਵੀ ਸਕਿੱਪ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਦੌਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੇ, ਹਾਰਟ BP ਜਿਹੜੇ ਹਾਰਟ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਏ ਸੀ ਕੱਲ੍ਹ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ECG ਕੀਤੀ, ਚੇਂਜਿਸ ਆਈ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੁਕਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 4 ਜਾਂ 5 ਦਿਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਰੁਕੋ, ਸਾਡੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਘਰ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਡੀਓਲੋਜਿਸਟ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਗੇੜਾ ਮਾਰ ਜਾਓ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਚੇਂਜਿਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਕਾਰਡੀਓਲੋਜੀ ਲਈ ਓਪੀਨੀਅਨ ਲਈ ਭੇਜਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਗਰ ਟਾਈਮਲੀ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਾਕੀ ਕੁਛ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਤਨਾਮ ਨੇ ਏਮਸ ਤੋਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਡਾਕਟਰ। ਸੋ ਵਲੰਟੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਜਾਂ ਨਰਸਿੰਗ ਸਟਾਫ, ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਵਾਧੂ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਬਸ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਹੋਸਪਿਟਲ ਹੋਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4-5 ਬਾਰਡਰ ਵੀ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ
एक संकल्प लिया कि उन्होंने आप आर्थिक मदद करनी उन्होंने परिवारों की, पर मैं समझता ये सेवा उस तो भी मच बैटर है जो असी जान ही बचा सकी है। वैसे तो जमना मरना हुक्म है भाने आवे जाए, पर फिर भी जिथे तक कि डॉक्टर भी है वैदा भी रब की दया मया हो फिर ही मरीज ठीक होंगे ने। सो ऐसा उद्यम आप कर सकी है तो मैं समझता होर बेहतर होएगा कि इदा दे मिनी होस्पिटल जिमें इतने स्टेज के नज़दीक है एक ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਰਸੋਈ ਢਾਬੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ KFC ਤੋਂ ਰਸੋਈ ਢਾਬੇ ਦੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਕਿਤੇ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ 'ਚ ਵੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਆਉਣ 'ਚ। ਅਗਰ ਉੱਧਰ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਹੋਊਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਧਰ ਡਿਮਾਂਡ ਵੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਰਾਤੀ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪਰਾਲਾ ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੀ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਉੱਧਰ ਵੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਟੋਲਰੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਤ ਬਰਾਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵੀ ਉਹ ਕਰਨਗੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਾਲਾ ਇੱਥੋਂ 40-45 ਆਪਣਾ ਮਿੰਟ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈਗਾ ਸੋਨੀਪਤ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ, ਸੋ ਉੱਥੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਫਸਟ ਏਡ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਨਾਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਦੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਕਵਰੇਜ ਵੀ ਕਰਿਓ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਓ ਵੀ। ਇੱਕ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਤੇ ਉਹ KFC ਤੋਂ ਜਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਹਸਪਤਾਲ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੇ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਮਿਲ ਜੇ ਰਸਤੇ ਦੀ। ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਵੱਡਾ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਔਰਥੋ ਦੇ ਡਾਕਟਰਸ ਵੀ ਨੇ, ਜਨਰਲ ਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਫ੍ਰੀ ਨੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਵੀ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਜੋ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਬਾਈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਦਾ ਬੰਦਾ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਈਨ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹ ਡੀ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਐਸੇ ਦੇਵਤੇ ਹੈ ਨੇ ਅਜੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂ ਭਾਈ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ? ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਰੱਬ ਰੂਪ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਰੂਪ ਹੀ ਕਹੂੰਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਉਸ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਹੋਈ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ, ਔਰ ਅਵਤਾਰ ਭਾਅ ਜੀ ਹੁਣੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਦਿੰਦੇ, ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਸਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈਲਪ ਕਰੀਦੀ ਆ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਭਾਅ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਵਾਈਆਂ ਕੁਛ ਲੈਣੀਆਂ। ਮੈਂ ਬਾਈਕ 'ਤੇ ਸੀ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਅ ਜੀ ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਨਾਵਲ ਹੋਸਪਿਟਲ ਤੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਹੋਸਪਿਟਲ ਇੱਥੇ ਅਵਤਾਰ ਭਾਅ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਦੇ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈ ਵੀ ਕੈਂਪ ਹੋਸਪਿਟਲ ਜਾਂ ਆਰਮੀ ਦਾ ਕੈਂਪ ਹੋਸਪਿਟਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੋਵਲ ਹੋਸਪਿਟਲ ਆ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਵੀ ਕਰੀਦਾ, ਅਨਾਊਂਸ ਕਰੀਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਲਾਜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੀ ਵਿਛੜ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ NRI ਵੀਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਣ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦਾ ਜੀ ਵਿਛੜ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਾਸ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਉਪਜਿਓ ਸੋ ਬਿਨਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜੰਮ ਪਿਆ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਪੂਰੀ। ਵੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੀ ਵੇਖੋ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਹਸਪਤਾਲ ਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਗੂਗਲ ਤੇ ਵੀ ਭਾਜੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਇਨ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਗੂਗਲ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਗੂਗਲ ਨੂੰ ਆਹ ਦੇਖੋ, ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਡੀਸਨ ਵਗੈਰਾ, ਸਾਰਾ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਚਾਹੀਦਾ ਫਸਟ ਏਡ ਦਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੱਟੀ ਬੈਂਡੇਜ,
ਸਟਿਚਸ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸਰ ਹਾਂਜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਹਾਈਜੈਨਿਕ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਡਿਸਇਨਫੈਕਟਡ ਸਪਰੇਅ ਵਗੈਰਾ ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਸਕਿਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਏ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਫਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਤੇ ਲੋਕੀ ਜੋ ਸੰਗਤ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਹਸਪੀਟਲ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਹੀ ਬਣਿਆ ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਹਸਪੀਟਲ ਆ ਹਾਈਜੈਨਿਕ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਵੀ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਸੇਵਾ ਰੂਪੀ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਰੱਥ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਈਫ ਕੇਅਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਐਨ ਜੀ ਓ ਨਾਨ-ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੰਕਲ ਜੀ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਦਿਨ 'ਚ ਮੈਂ 4-5 ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨੰਬਰ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਲਈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ ਲਿਕੁਅਡ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜੂਸ ਵਗੈਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਅੱਜ ਦਿਨ 'ਚ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਆਈਟਮ ਮੈਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਹੈਲਪ ਹੋਏ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਹੈ ਕਾਰਜ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਂਝੇ ਕਾਰਜ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਪਾਂ ਵਿੱਢਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਏ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਭੇਜੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕਾਫੀ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਨੀ ਕੈਪਸ ਵਗੈਰਾ ਦੇਖੋ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵੰਡਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਟਰਾਲੀਆਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਵੀਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਕਿਤੋਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਰੱਖੀਏ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਅਗਰ ਟਰਾਲੀਆਂ 'ਤੇ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਦਿਨ 'ਚ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਵੰਡਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਵੇਰੇ ਜਾਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਡਸ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇਖਿਆ ਅਸੀਂ 10 ਟਰਾਲੀਆਂ 'ਤੇ ਗਏ ਹਾਂ 8 ਟਰਾਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੱਥ ਕਦੇ ਐਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਨੇ ਇਦਾਂ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਉਹ ਇਦਾਂ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ ਤੇ 2 ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਨੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਨ ਆਣਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਜੋ ਨੀ ਕੈਪਸ ਵਗੈਰਾ ਸੀਗੇ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਗਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੀਜ਼ਨ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਚੜਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਸਪਰੇਅ ਲਗਾ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਨਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਨਾ ਕਰੇ ਮਤਲਬ ਸਟੋਰੇਜ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਵੇਂ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਾਡਾ ਆਮ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਚਲੋ ਝੋਲੇ 'ਚ ਪਾ ਲਓ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਆਏਗੀ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੋੜ ਆ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਜ਼ੀਓ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਲਕੱਤਾ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਓ ਜੀ ਸਾਡੇ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪਿਸਟ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪਿਸਟ ਕਲਕੱਤਾ ਤੋਂ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਜੀ ਆਪਕਾ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ੰਭੂ ਕੁਮਾਰ ਅੱਛਾ ਜੀ ਸੋ ਫਿਜ਼ੀਓ ਕਾ ਆਜ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਆਪਨੇ ਹਾਂ ਆਜ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਵੇਖੋ ਜੀ ਕਲਕੱਤਾ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆ ਗਏ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਲ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਰਥਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆਪਣੀ ਲੈਣੀ ਆਪਣੀ ਹੈ ਆਰਥਿਕ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੈ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰੈਕਸ ਲੱਗ ਗਏ ਹੈ ਨਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡੀ ਦਵਾਈਆਂ ਭੇਜੂਗੀਆਂ ਕਿ ਮੋਇਸਚਰ ਆਊਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਦਮ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਸਮਝਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣੀਆਂ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕੀਏ ਸੋ ਬਾਕੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉਦਮ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬਖਸ਼ੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸੇਵਾ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਜੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆਏ ਨੇ ਹੈ ਵੇਖੋ ਹਾਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਹੈ ਮਾਵਾਂ ਸੇਵਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸੰਸਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਹਿ ਸੁਭਾਏ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਣੀ ਆ ਅਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆ ਵੇਖੋ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੱਚੀ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਮ ਜਪਾ ਰਹੀ ਆ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਆ ਵੇਖੋ ਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਰੇ ਨੇ ਸੋ ਸ਼ਹਿਦ ਪਾ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਦੁੱਧ ਦੀ ਸੇਵਾ ਓ ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਲਓ ਇੱਧਰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਆ ਗਰਮ ਦੁੱਧ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਭੰਡਾਰੇ ਆ ਜੀ
देखो कि हर चीज का प्रबंध है कि ठंड ना लगे है। जो संगत जी इवें ठंडिया रात दुध की सेवा की गल आ तो फिर आप कुछ याद आ जाता है किसी ने दुध छका वास्ते अपना परिवार ओलू चुपड़वा लिया भाई मोती राम मेहरा सो मोती मोती होंगे ने गुरु लाला है धन मोती जिन करम कमाया गुरु लाला तई दुध छकया सो ठंडे बुरज की ठंड जी है ना वो आप महसूस कर सकते हैं सो उस ठंड तो निजात दवाई अपना योगदान पाया भाई मोती राम मेहरे ने तो मैं लगता कि जिन्हें भी लंगर लगते हैं कितने ना कितने उस तो प्रेरित हो करके माता गुजरी जी गुरु के लाल बाबा जोरावर सिंह जी बाबा फतेह सिंह जी उन्होंने मेरहमताइया ने जड़िया वरत रही ने तो इवें वरतदिया रहनिया वेखो नाम जपाया जा रहा है सिंह नाम जपा रहे हैं तो नाल नाल सारी सेवा चलती पई है आज साड़ी छोटी जी बेटी जी नाल नाम जपा रही है वेखो बच्चों के बीच सह सफाई कला जी आई जा रही है इधर दुध की सेवा दुध इधर तैयार होंदा जी महाराज के बेअंत भंडारे वेखो इधर सेवा करी जा रहे ने सिंह इधरों चलती है हाँ जी तो किन्ना रोजाना ही सेवा है ये रोजाना दी है जी किन्ने बजे शुरू हो जाती जी रात ये 6 बजे तो लेके जी ते तकरीबन साढ़े साढ़े 11 तक चलता जी हाँ जी ठीक है ते दूध काढ के जा कोई होर स्पेशल ये दूध दे विच जी इलायचियां खंजूरां छुहारे केसर मोटी इलायची छोटी इलायची काफी शहद जी नाल काफी कुछ दिता बल्ले बल्ले वेखो जी आ तुहानू बाल्टी विखाउणे आ मैं तुहानू किथे बाल्टी उधर गया जी चलो ए च पलटो जाके परो वेखो केसर लगा होणा सवेरे 12 बजे रखना वा 6 बजे तक करदा रहना उस तो बाद फिर सवेरे साडे मिस्से प्रसाद दे सरों दा साग मक्खन पा के नाल जीरे वाली लस्सी बाद फिर ऐतवार कड़ी चौल लंगर निर्मल कुटिया करनाल तो जी करनाल तो जी ये बड़ी मालक की कृपा जी ये साग हुण साडा वध गया ये फिर वापस चल जूगा उत्थे बाबयां ने गावां ने 150 अच्छा जी ये फिर उत्थे वापस जो वधिया प्रशादा उत्थे उत्थों ही तैयार होके आउंदा अच्छा लंगर उत्थों तैयार उत्थों ही सवेरे दुध तुसीं इत्थे तैयार दुध सिर्फ कच्चा आउंदा इत्थे आण के अपने हत्थी तैयार हुंदा क्योंकि दुध मुड़ के प्लास्टिक दे ड्रम च उह गल नहीं बणदी ठीक है इत्थे आउणा वा इत्थे सिर्फ दुध तैयार होणा बाकी सारी रस्त साडी उत्थों तैयार होके आउंदी आ सवेरे 7 बजे लंगर साडा चल पैंदा रात 1:30 बजे तो लंगर पकना शुरू हो जाता वा साडे कोल पेटियां ने आइसक्रीम वाली जिस 36 घंटे प्रशादे जेड़े आ लो वाले गिणो भी लो वाले इन्नी इन्नी गर्म रहिंदे हाँ जी इन्नी गुरु नानक की कृपा जी ये 11 क्विंटल आटा डेली गुज के आना जी अच्छा जी 11 क्विंटल 11 क्विंटल आटा 9 क्विंटल साग ते मक्खन आ जाना 50-60 किलो ओदे बाद देसी घ्यो जिन्ना चिर मक्खन चले 5 घंटे 6 घंटे मुड़ के देसी घ्यो गर्म करके चमचा पाई जाना धन्यवाद जी धन्यवाद आ कमाल ही हमारे मैनू लगता घर च भी एडे इन्ने स्पैशल दुद्ध है वेखो जी केसर छोटी बड़ी इलायची छुहारे खंजूर जी मेरे ख्याल च भी आम अपने घर च भी नहीं इन्ना कुछ वरता जाता जिन्ना कुछ इत्थे वरता जाता जी सच है जी सच ये तो हुण बाबे नानक की कृपा चलती पई है
गुरु की कृपा ही है, मेहर खेड़ी है जी। हाँ जी, आ साढ़े एक भैन जी बच्चों सेवा सिखा रहे हैं। हाँ जी भैन जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वीर जी बच्चों सेवा सिखा रहे करनी है। बिल्कुल वीर जी। परेशान है, मेरी सेवा नहीं मिलती पई है। मतलब अज नहीं, चौथा टाइम असि 13-13 दिन मोर्चे चला के जाने जो आने। हां जी बिलकुल, चौथी टर्न है। हां जी चौथी करीब है, आप समझ सकते हैं ये गुरु साहब जी की मेहर रहमत है, बच्चों पर भी सब ते कृपा खेड है। मैं समझा जेडे इन्ने प्यार दे नाल तैयार होया, दुध इन्ना सारा कुछ पा के, मगर थोड़ी शायद हाँ की मेरे गुरु बाजा वाले दी रहमत नहीं तो होर की है। आप चो किन्ने कने जेडे आप घर दुधा दे विच सारा कुछ पा के, केसर पाया है, खजूर पाइया, छुहारे पाए, लाचियाँ दोवें तरह दियाँ, तो उत्तों शहद पा के तो फिर गर्मा गर्म सिखाया जा रहा है। प्रतख रहमत नहीं तो होर की है। सो वरतदियाँ पईयां ने वह वरता रहा। तो जिहड़ियां लड़ाइया हक्कां लई हुंदियां ने उन्हां लई सुनेहे नहीं भेजे जाते, जिन्हां विच अणख हुंदी है वो आपे आउंदे ने। बड़ी बाकमाल गल लिखी हुई है, मैं हुणे पढ़ी। चमकौर दी गढ़ी याद आ गई, जो बाबा अजीत सिंह जी, बाबा जुझार सिंह जी आप चल के आए सी ना, तो गुरु कलगीधर पातशाह ने बड़ी खुशी जाहर की सी, मैनू खुशी है तुसीं आप चल के आए हो, तुहाडे इस जज्बे दे एक खेड वरतेगी कि जदों भी कितने औखी भीड़ पेगी ना, तो सुरमे आपे निकल के अगे आ जाया करनगे, आवाज नहीं मारनी पेगी। सो गल बड़ी वड्डी है, इत्थे आवाज नहीं मारनी पैंदी, जिन्ना चणक हुंदी है वह चल पैंदे ने ते पहुँच जांदे ने। आले दुआले एक बार कैमरे के नाल देख लो, ये सारे अणखां वाले ने जिहड़े आए बैठे ने, चाहे छोटे ने वड्डे ने, इन्हों सदा नहीं दिता किसी ने, सारे आप ही चल के आ गए। हाँ जी, गंगानगर तो मोर्चे दे उत्ते सारा देखना आए तुसी? हाँ जी बहुत। अच्छा, कदों आए तुसी? अज ही आए। अज ही आए। हाँ जी, सुनिया सी इत्थों बारे भी इत्थे जो हो रहा? नहीं, और लोगों ने बहुत कुछ कहा, पर इत्थे जड़ा चल रहा बहुत वधिया जी, बहुत ढंग नाल सारा कुछ चल रहा जी। ठीक ठीक, लंगर पानी दी हरेक दी बहुत सुविधा जी। तो बिल्कुल, आ देखो छोटे छोटे बच्चे भी है, काफी नेरा हो गया, किसी नु डर नहीं इत्थे? नहीं नहीं जी, कुछ भी नहीं। क्यों बेटा, कोई डर नहीं लगता इतने अंधेरे में घर से निकले? नहीं नहीं हैं, नहीं लगता? नहीं जी, जी आपको नहीं लगता? नहीं लगता, डर ही लगना होता था फिर इससे अति आंधे क्यों आसी थे? हां बिल्कुल, क्या शेरनिया वाली का मोदी नु लगेगा होना? हां जी, डर तो मोदी नु लगेगा होना। अच्छा, असी अच्छी मोर्चा थे गाड़ तो हम डर तो मोदी लगना चाहिए, उन्होंने पता चलना चाहिए कि पंजाबी की कौम हैगी, साड़ी कौम ही एवं जी है, अस आप डर ही नहीं सकते किसी कौम। बिल्कुल बिल्कुल, जवाक क्यों लेके आते? छोटे 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 बच्चों लेके आए, बिल्कुल बच्चों के चेहरे की खुशी देखो, बच्चे आप ही कहते हैं पापा डैडी सानू इत्थे लैके चलो, जिथे हाँ जी जिथे सारे आपे मिल के रहेंगे तो उत्थे सानू अपना मोर्चा कसेगा। हाँ जी, तो तगड़े हो के मोर्चा लाने आए ने, वेखो ये बच्चे मोर्चा लाने वास्ते आए ने,
गंगानगर तो आए ने जिद करके सानू लेके चलो उत्थे कहंदा लेके चलो सानू अज ही आए सवेर दे चले असीं गंगा बच्चे दा नानके जाण वास्ते जिद करदे हुंदे कि उत्थे जाणा पर इत्थे जा इत्थे जिद कीती आण वास्ते इत्थे ही असीं सवेर ते बैठे गंगानगर तो तो बिल्कुल वेखो बच्चे जिद करके इत्थे आए ने शाबाश है कोई नारा लगाओगे जय किसान जय जवान जय किसान जय जवान बोले सोनिहाल किसान एकता जिंदाबाद किसान एकता जिंदाबाद जय जवान जय किसान जय जवान जय किसान बोले सोनिहाल हां जी जकारा ला दे चलो जकारा बोलो ला दे बोले सोनिहाल बोले सोनियाल श्री अकाल तो एक बहुत ही शर्मीली है मेरी छोटी सी बच्ची काफी रात हो चुकी है क्योंकि लंगर तो बाद दुध वरतना शुरू होंदा ते दुध भी आपां देखिया कि इत्थे वरताया जा रहा सी सो इन्नी रात दे विच इत्थे हनेरा आया जे आपां लाइट बंद कर दईए ना अपने कैमरे की तो इत्थे बिल्कुल सानू कुछ नहीं नज़र आएगा पर फिर भी आ देखो जी थोड़ा जिहा असीं तुहानू नमूना दिखा रहे इन्ने हनेरे दे विच अपने बच्चों नू अपनियां धर्म पत्नियों अपने परिवारों नू लै के लोग इत्थे आए ने महसूस करो कि अपने आप को कितने सुरक्षित इत्थे महसूस कर रहे होंगे सिर्फ वो नहीं जिहड़े मोर्चे दे उत्ते आए इत्थे लोकल भी इत्थे दीयां जिहड़ियां लेडीज़ ने आराम दे नाल इस वेले आ जा सकदियां ने इन्ना बेखौफ ते इन्ना चढ़दी कला वाला जिहड़ा माहौल इत्थे है कि किसे नू किसे गल दा फिक्र नहीं है सो इहनू आपां जिहड़ी अज दिने वी गल कीती सी कि शहीद सिंघां दीयां खेडां ने उहनां दे पहरे चलदे पए ने ते बखूबी ये प्रतख है इत्थे इहनू माणिया ही जा सकदा आपां कह सकदे आ क्योंकि वो फिर उत्थे कि जे गल आ जांदी है ना कि हर कोई कह रहा मैं भी उस गल नू जे दोहरावां कि कह कबीर गूंगे गुड़ खाया पूछे तो क्या कही है ये गूंगे की मठियाई वाली गल है इत्थे दा माहौल वखरा ही है जदों उत्थों बॉर्डर टप के जिथे बैरीकेड लगे होंदे ने लास्ट जिथों जदों उत्थों अंदर एंटर कर जाईदा तो इदां लगदा कि असीं वखरे ही देश च आ गए हाँ सो ये बेगमपुरा शहर को नाम वाली जिहड़ी गल है वो कुछ ऐसा ही इत्थे नज़ारा है आ देखो किसी नूं कोई फिक्र फाका नहीं आनंद है जिहड़े इत्थे लोकल भी ने सारे कोई टेंशन नहीं किसी नूं इत्थे हाँ जी दूरों नेड़ों दिल्ली वाले बहुत सारे भैन भरा इत्थे आउंदे ने इस वेले सेवावां करन आउंदे ने आ देखो जी वख वख नगरां ने अपने अपने वल्लों सेवावां चलाईयां ने गुरु का लंगर रौंके कलां मोगा तो बेअंत सेवावां चलदियां पईयां ने भरे भंडारे ने साहिब दे ते गुरु साहिब की कृपा हाँ जी आप कहाँ से आए जी हाँ जी पटियाला जिला हाँ जी पंजाब से पंजाब तो पटियाला जिला पटियाला जिला ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪੰਜ ਦਿਨ ਆਏ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਰ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜ ਦਿਓ ਰੱਦਾਂ ਅੱਛਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਾ ਸਕੂਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਓ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਗਿੱਦੜ ਪਾ ਸਕਣਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਂ ਗਿੱਦੜ ਪਾ ਸਕਣਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਜੋ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਤੋ ਤੇਰਾ ਹੀ ਤੇਰਾ ਓਏ ਹੋਏ ਸਭ ਤੇਰਾ ਹੀ ਤੇਰਾ ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਖੋ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕਿਛ ਹੈ ਸੋ ਤੇਰਾ ਜੋ ਕਿਛ ਹੈ ਸੋ ਤੇਰਾ ਸੋ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀਰ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਆ ਵੇਖੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਇਧਰ ਨੂੰ ਕੈਮਰਾ ਵੇਖੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆ ਭੈਣਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਬੱਚੀਆਂ ਸਾਰੇ ਲੰਘਦੇ ਪਏ ਬੇਖੌਫ ਹੈ ਬੇਖੌਫ ਹਾਂਜੀ ਸ਼ੇਰ ਬੱਚੇ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸ਼ੇਰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਸੇਫ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇਹ 13-14 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 'ਚ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਨਾ ਚਿਰੀ ਨਹੀਂ ਫੜਕਦੀ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਾਰਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਏ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਡਿਸਿਪਲਿਨ 'ਚ ਆ ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਆ ਕੇ ਕੁਛ
उन्नी की कर लगे तो उन्होंने भी उस वे रोक दिता जाता बड़े प्यार दे नाल ते बड़े वधिया ढंग दे नाल ही सारा मोर्चा चलता पे। हाँ एक मिनट फिर मैं तो तेरे नाल गल करनी, मैं बटालियों आया। अच्छा हाँ मैनू छोटी भैन मेरी मिली है, ये अमृतसर तो आई है। वेखो इतने ना हमने थोड़ा जा नेरा सी, मैं क्या कली कि जा रही है, तेन डर डर नहीं लगता इतने? नहीं इतो बिल्कुल डर नहीं, सारे अपने ही तो भरा ने। हाय हाय यही तो गल मैं सुनानी सी उन्होंने जेडे घर च बैठे है ना, तेरे वर्गिया होर भी बैठी ने, उन्होंने मैं यही तो दसना सी भी सारे अपने ही ने, सारे अपने भैन भरा ने। ते कदों दे आए हो तुसी? असी परसों आए सी। परसों आए सी? हां जी। ते कौन कौन आए परिवार च? असी परिवार आए सी, पापा सानू सरहंद लैके आए सी। उत्थे एकदम असीं वेख्या कि पापा ने ते ऑपोजिट साइड नूं गड्डी लैके जा रहे आ, ते पापा कहंदे ने बस कोई गल नहीं अगो टर्न ना के आना। फिर जदों अगे आके देखा ते फिर पापा ने सानू दिल्ली दा सरप्राइज दित्ता इत्थे लैके। तो पापा कित्थे ने? आओ जी पापा जी, तुसी वी आ जाओ आ जाओ। क्या बात है जी, वेखो असीं हुणे गल करदे पए सी, संगतां सुन रही होणगियां, हुणे आपां साहिबजादियां नूं याद कीता सी, माता गुजरी जी नूं याद कीता सी जदों दुद्ध वाली आपां आप जी दे नाल सांझ कीती। सो इह इक दिल दी गल नहीं, हर दिल दे विच आ। वेखो हां जी वीर जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। तुहाडा नाम ते किहड़ा पिंड आपणा? दास दा नाम सतिंदर सिंह आ जी, पिंड पंजवाड़ा जिला तरनतारन जी। जी जी बाबा फतेह सिंह जी उन्हां नूं नमस्कार करन गए ही, ते बस उत्थे खड़े ही, ते मैं गल की हुई कि जदों मैं बेटे नूं बाहर निकल के उत्थों फोन कीता, वैसे ही ठीक ठाक आ सारे, कहिंदा पापा जी अहीं ते ठीक ठाक आ, तुसीं इदां करो कि तुसीं हुण इधर नूं आउण लगे। मैं कहा हाँ इधर नूं आउण लगा, ते कहिंदे पापा जी तुसीं इदां करो जे भैणां नूं इधर नूं जो लैके आउणा वा, ते तुसीं जिन्ना कु इधर नूं अमृतसर नूं आउणा वा, ते इन्नी कु ते थोड़ी जी दिल्ली रह गई आ, है ना, ते तुसीं क्यों ना होवे जे तुसीं दिल्ली नूं कूच कर जाओ, ते नाले उत्थे वी जिहड़े अपने बाबा जी वड्डिआं दे बाबा फतेह सिंह जी उहनां दी कमाई कीती होई आ, उह वेखो किड्डा फल लगा जिहड़ा गुलदस्ता बणिआ वा, उहदे नमस्कार करके आपां दीदार कर आईए, ते बस उतो फिर साडा मन बन गया मेरा। मैं किसी नूं नहीं दस्या, बस मन च बेटे नूं कहा चल तू फिर घर संभाल, कहिंदा पापा जी इधर ना उधर नूं जाओ, जे सच आ कि कल नूं ही उह फैसला हो गया ते इह बच्चियां नूं की मूंह खाओगे, तुसीं रोज़ लारे लाई जांदे हो। बस उही फिर अहीं इधर नूं चल आए जी। बेटा तुहाडा दिल करदा सी इत्थे आउण नूं? ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਆਮ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਕੀ ਭਾਵਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੇਖਣ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅੱਗ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ, ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਚੁੱਕੀ ਕੁਛ ਕਿੱਦਾਂ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਧੁੱਪ ਹਨੇਰਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਐਸਾ ਸਿਕਿਓਰ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਗੱਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆਪੇ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਐਸੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਰਤਵ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਕੂਲ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ? ਮੈਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਪਲੱਸ ਟੂ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਆ ਬੀਕਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਆ? ਸੋ ਵੇਖੋ ਇਹ ਬੱਚੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆ, ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਭੈਣਾਂ ਅਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆ, ਸੱਚੇ ਵਾ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ, ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਅਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਅਸੀਂ 84 ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਅਸੀਂ 47 ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਸੱਚ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੀਦਾ, ਸੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਖੋਲਦਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਕੌਲਾਂ ਆਈਆਂ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ ਕਿ ਬੇਟਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ? ਸੱਚ ਆ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣੋ ਅਤੇ ਭਰਾਓ, ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਮਤਾਓ, ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੋ ਇੱਥੇ ਕੁੰਭ ਰਚਤਾ ਨਾ, ਇਹ ਕੁੰਭ ਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ, ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਿੱਥੇ ਕਰਾਂ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਹ ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਬਣ ਗਈ ਖੇਡ ਸਾਰੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੁਣ, ਚਲੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਲੋਹੜਾ ਵੱਜ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਲੋਹੜੀਆਂ ਕੀ ਪਾਉਂਦੀਆਂ,
तो इस करके सारे तकड़े हो कहना एक बार अपने बच्चों जिदा आप सरहद लैके चलते हैं ना एक बार इतने जरूर लैके आओ तो वेखो जदों चल दियाँ बच्चियां हुण मैनू पता ही नहीं सवेर के बच्चे बेटियां कित्थे फिर रही तो बेटियां जदों रात नूं दसदियां पापा जी अहीं जिधर दी लंघदे आ ना जिहड़े साडे वीर आ वो जदों अहीं लंघण लगदियां दो दो फुट दो दो करमां पिछे हट जांदे आ छातियां चौड़ियां जांदियां कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज साहब जी तुहाडा एडा तरस कीता तुसीं सिखां ते इन्नियां बख्शिशां कीतियां ते सच अज अहीं उह जिहड़ियां बाबा फतेह सिंह दियां मारां मारियां ना अज अहीं उह खा रहे आं अज जिहड़े क्यों डरदे जे क्यों घरां च बैठे जे सानू ते गुरु तेग बहादुर पातशाह जी महाराज ने सानू ते आओ किते भावना करके आओ ते गुरु तेग बहादुर पातशाह किड्डी वड्डी बुक्कल लैके बैठे सानू बुक्कल च लको लैंदे आ अहीं क्यों डरदे बैठे घरां च आओ एक बार जे साडे कोल जवानी आ तां ही साडे कोल किसानी आ ते जे साडे कोल किसानी आ ना ते तां ही सारे सुख सानू पौणगे नहीं ते सच आ जे तुहाडी किसानी ना रही एक दिन भी आउणा तुहाडे कोल जवानी भी नहीं रहिणी करीम तो साड़ी अगे ही जिन्ना सरकारा ने जिनी साडे कोल करीम ही ना जिनी साड़ी जवानी ही जिहड़े जज्बे वाले बच्चे ही जिहड़े पढ़ाई विच आगू ही वो सारे तो अहीं फॉरन कंट्रियां बाहरलियां विदेशां नूं दे बैठे हाँ पर अज फिर भी सुख आ जे अहीं विदेशां नूं दित्ता ना तो अज मारा मारियां विदेशां करके अहीं इत्थे खड़े हाँ साडे भरा सानूं कहिंदे तकड़े हो जाओ तकड़े हो जाओ बड़ा बड़ा चंगा लगता दास नूं सबब बनिया जदों अहीं उत्थे ही कनेडा गुरु रामदास जी ने बख्शिश कीती ते उस वक्त बच्चे बाहर निकल के सरकारां ने उन्होंने भी सानूं बड़ा सुख दिता सरकारां बहुत वधिया कर रही उत्थों दियां भी पर उह तां क्योंकि जे टोडो भी आया ही वह भी यह गल कह के गया ही पंजाबीओ तुहाडे झंडे ही मेरी कनेडा च झूलण डिया जिहड़ी कनेडा नूं इन्नियां उच्चियां हस्तियां ते लैके गया इह पंजाबियां दी देण आ ते सच आ जे इह वड्डे कुंभ नूं इहनूं जाग लाई आ तो भी पंजाबियां ने ते अहीं उन्हां दा देण नहीं कदी दे सकदे सच आ अज भी भाई साडे हरियाणे दे नाल बैठे ना विचार होण डई ही वह जदों जाइए कुर्सियां छड़ छड़ बह जांदे आ ते अहीं आने क्यों साडे ते ना कर्ज चढ़ाई जांदे जे जे कोई भैण साडे दिल्लियों कितों चंडीगढ़ों चढ़ चढ़ के आउंदे आ ना वह इन्ना माण सन्मान दे रहा है इन्नियां सानू प्यार कर रहे आ सच आ अज किसान अगे करजाई नहीं पर अज किसान इतों जित के जरूर जाऊगा पर करजेदार होके जाऊगा इन्हों के प्यार का अही कदी जिन्ना इन्ना सानू सारे भरावान ने चाहे हरियाणे यूपी आंध्र जिथे जिथे भी वसद आ सारे ने सानू प्यार दिता अही करजाई होके जावे साडे सीस ते हमेशा तलवार लटकती रहूगी जिदे नाल अहीं इन्हां दा देण नहीं दे सकते होइयां भुल्लां चुक्कां दी खिमा करो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु की फतेह प्रगट भई सगले जुग अंतर गुरु नानक की वडियाई ये आपां शब्द पढ़दे सी जे उहदा अर्थ समझना ना जे उहदी स्टीक तों अलावा जे तुसीं अर्थ समझना चाहुंदे इत्थे आके देख लो वडियाई प्रगट हाँ जी वीर जी तुसीं गल करन लगे सी हाँ जी मैं ये दसना चाहुंदा है कि जिवें आ छोटी जी बेटी साडी ਇਹ ਦੱਸਣ ਡਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਆ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿਕਾਊ ਮੀਡੀਆ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵੀ ਨੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਕਿਵੇਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿਸਾਨ ਕੱਪੜੇ ਕਿਵੇਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋਇਆ ਨਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਇਹ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੜ੍ਹ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਵੇ ਸਟੇਟ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੱਕਰ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਜੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੇਖੋ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਵੇਖੋ ਹੈ ਤੇ ਭੈਣ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਮੈਸੇਜ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਹ ਵੇਖੋ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਜਾਈ ਕਿਸਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਬਖੂਬੀ ਇੱਥੇ ਗਰਜਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਭਾਵਨਾ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ
ते जंग जारी रखियो, जंग जारी है, ते तुसी भी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सो वेखो जी इत्थे हर तरह के प्रबंध ने, इस वेले अग बाल के बैठे ने साडे वीर। एक होर थोड़ी जी जगह हो के चीज वेखांगे ना, तो मैनू लगता कि पूरा ड्राइंग रूम बनाया वीर, यह सिटिंग अरेजमेंट है पूरा जी इत्थे। जिदा आप घर च सोफे नहीं डाई होंगे, ये पता नहीं हम मटीरियल की है। बेनतियां करने मोदी नू नरमाई नाल वापस बिल लवे, हजे नरमाई हजे जट्टां आले पासे आए नहीं असीं, हजे इही कहिंदे जट्टां जिद्दां जट्टां आले पासे आ गए उद्दन किसे ने नहीं खड़ना इत्थे। सो गल तो सही है, पिछे काफी दिन पहला असीं जदों उत्थे गए सी ना शाहजहानपुर बॉर्डर ते, बड़ा शांत जिहा माहौल लग रहा सी, भी उदों जे आए आए सीगे थोड़े जे सीगे मुरखल 100 कु ट्राली होनी सारी, बड़ा शांत जिहा जिद्दां तो कहे ने आवाज देती भी दूजी रोड ब्लॉक करनी है। मैनू लगता कि 1.5 मिनट लगा तो 1000 बंदा उसे कट्ठा हो गया सी, हो गया हो गया एक 1.5 मिनट दे साडे को रिकॉर्डिंग आउदी भाई बहुत। तो ये जेडे शांत बैठे ने, ये नहीं भी ये शांत ने, बहुत ज्यादा उत्साह लोगों नु, ये हजे तो जाने के जिवें जथेबंदियां वो जो कह रही हैं वो हो रहा है, ठीक है, तो उही होगा जो कहणगियां हजे तक। पर कल जे हुण जे ओह कहिंदे हुंदे वी जे किसी चीज़ को आप वट दे जाइए वट दे जाइए, तो एक बार तो फिर वो वट तुहानू आप नू पता है पंजाबी जानदे सारे पंजाबियां नू वट दिता फिर पुट्ठा ही पैंदा हुंदा, क्यों भी जी? हाँ जी हाँ जी। ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਿਆਣੇ ਵੀਰ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਯੰਗਸਟਰ ਹੋ, ਯੰਗਸਟਰ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਦੇ ਪਏ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਜਿਵੇਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਕਹੂਗੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਕੋਈ ਹੱਲੜ ਬੋਲੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿਉਂ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਪੋਤਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਚੌੜਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੱਕੀਏ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਭਾਰੂ ਹੋਵੇ, ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਪੁੱਠੀ ਪਾਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਬੜੀ ਸਿਆਣਪ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ, भाई साहब हरियाणा से हूँ, गांव कथूरा अलका बरोदा। अच्छा। बड़े भाई होगा हमारे ज्ञानी भाई, बड़े भाई हैं, इन्हीं का साथ है, इनके साथ हम लग रहे हैं, अपना हक लेकर जाएंगे, इतने यहाँ से हटेंगे नहीं। तो बिल्कुल इतों जाते नहीं जिन्ना चर हक नहीं मिलते हैं, ये सारे इसे वास्ते बैठे ने, वेख लो सारी उम्र के सारे एज ग्रुप आप इतने देख सकते हैं, वड्डे भी ने छोटे भी ने, टीन एज वाले भी लगा लिए, सारा कुछ सब इत्थे पहुँचे हुए ने, हुणे आपां बच्चियां नूं मिल के आए, बीबियां बच्चियां साडे सारे इत्थे आए बैठे ने, ते सब दे मन दे विच इही आ कि मोदी मोदी साहब मन जो मन जो। हाँ जी, तुसीं वीर जी की कहिंदे हो? वीर जी मैं यही कहना, देखो असीं टीन एज आ, गुस्सा तां बहुत है मन च, पर सानूं बजुर्गां ने रोग रख्या, गुस्सा तां बहुत साडे बजुर्गां ने डांगा मारे जदों असीं आए सी, मन च गुस्सा बहुत है, पर असी रिस्पैक्ट है, क्यों पंजाब हमेशा ही गुरुआ पीर की धरती रहा, असी हमेशा गुस्सा पीर गुरुआ पीर की आग्या चले हाँ, जिदा साडे बजुर्गों ने डांगा मारिया सी सानू गुस्सा बहुत सी, पर नहीं जिदा सानू जथेबंदियां आगुआं ने समझाया असी जथेबंदियां दे आगुआं अकॉर्डिंग चलना है, कोई वायलेंस नहीं करनी, कोई कुछ नहीं करना, क्योंकि देखो 1.5 महीना हो चलिया आ, 1.5 महीना पीसफुली अंदोलन आ, वर्ल्ड च रिकॉर्ड बन गया आ, बन गया जी, दुनिया वेखदी पई, दुनिया वेखदी। अभी सवेरे एक होर का, कल लोहड़ी का त्यौहार आ, 3 काले कानून इस लोहड़ी च फूकने आ, जिदा सानू जथेबंदी नाल अगुण, एक होर काम असी करना, आ साडियां ट्रालियां खड़ियां, ट्रैक्टर खड़ियां, सवेरे चिट्टी कली लिया के सारियां ट्रालियां ट्रैक्टर आले दुआले असी घेरा मारना, ओके समझ आ गई? हाँ जी, घेरा मारना, उत्थे आपां उहनां दे पिंडां दे नाम लिखणे आ, क्योंकि जदों असी जाइए साडे उत्थे निशान रहे। मोदी साहब वाली लिटी पई है जी, बिल्कुल थले पई, जिवें कहिंदे ना इक पहलवान दब लैंदा कोई वड्डा पहलवान, वह थले पै झंगा मारी जांदा करी जांदा,
हाँ बस वह काम मोदी सरकार का ही हूँ ठीक है। बाकी असं हाथ जोड़ते हैं जिवें साडे वड्डे बजुर्ग कहणगे साडी जथेबंदी आगू कहणगे असं उदा चलना ठीक है नहीं। हाँ जी थैंक यू बहुत सोहनी एक्सप्लेनेशन की है जी भी थले पिया भी कई बार तेन चंगेड़ा जी मारदा तो दूर सुनने वाले इदा ही लगता भी लाया तो बड़िया बड़का मारदा पाया है जी तो बहुत सोहनी गल की है। सो पूरे रात पै चुकी है इस वेले वेखो ये गड्डिया तो गड्डिया चढ़िया आ रही ने हाँ सो किसानी झंडे लगे हुए ने वेखो जी आ 06 नंबर गुरदासपुर एरिया BB 91 किसान एकता जिंदाबाद कितनों आए रहे जी केड़े पिंड माछूवाड़ा साहब तो आए जी। अच्छा जी हाँ जी हाँ जी तो वेखो कितने बजे चले सी असी चले सी जी 4 बजे जी। अच्छा जी तो वेखो आ लाइनें लगियां ने हाँ आ वेखो हाँ वेखो जिंदाबाद हाँ ਕਿਧਰੋਂ ਚੱਲੀਆਂ ਕਿਧਰੋਂ ਆ ਰਹੇ ਵੀ ਜੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਤੁਰੇ ਸੀ ਸੁਬਾਹ 10:30 ਦੇ ਤੁਰੇ ਨਾਲ ਟਰਾਲੀ ਵੀ ਆ ਲੈ ਬਈ ਹਾਂ ਦੀਪਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਚੱਲਣ ਡੀਆਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕਾਹਦੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਰ ਤਾਂ ਹੈ ਆ ਵੇਖੋ ਹੈ ਆ ਵੀ ਟਰਾਲੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਜੀਪ ਦੇ ਮਗਰ ਟਰਾਲੀ ਪਈ ਆ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਮੋਦਕੀ ਪਿੰਡ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਮੋਦਕੀ ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਨਾਲ ਦੀ ਆਈ ਵੀ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹਾਂ ਆ ਵੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਜੀ ਆ ਸਾਡੀ ਵੀ ਲੱਗ ਗਈ हाँ जी भाई साहब हाँ जी हाँ जी कहाँ से हरियाणा से हरियाणा हाँ जी हरियाणा पंजाब भाई करनाल जिला करनाल वालों ने तो कट्टर के पत्ते उड़ा दिए पत्ते उड़ा दिए कट्टर के दो और आएगा नहीं छोड़ देंगे। अच्छा जी छोड़ देंगे कोई दूसरी तरह मोदी हो सको हो जो अगर ऊपर बिठा रहे कुर्सी पे ऐसे नीचे पटकेंगे मोदी को छोड़ देंगे जैसे बिठा था नहीं कुर्सी पे ऐसे नीचे खींचेंगे जी। क्या करे कुश्ती करते हैं तो फिर जो ऊपर होता है नहीं छोड़ देंगे अब की बार है नहीं की बहुत मारे कितने किसान मर गए गई नहीं कोई बताइयो यहाँ तुम्हारे भाई काके ताऊ बैठे हैं और वो बहन तो उतरेगा तक है उतर देंगे उसने मारे शायद 70 जवान मर लिए हैं सही तो मतलब मारे गरीबा के कोई आज लगे अकमोदी के बैठे वहाँ लड़ाई में मारे जवान है गरीब के बेटे अगर दुष्ट के हैं कट्टर के हैं अगर कैरे बिल्ले के हैं जो ना ऊपर बैठा जाएगा कैरा बिल्ला से आएगा नहीं हमें गणसी तैयार कर रखी काटांगे सारे दिन छोड़ देनी ईब अपने साथ पंजाब हरियाणा सारे भाई भाई इकट्ठे हो गए ईब हाँ जी ईब छोड़ देनी गई छोड़ेंगे नहीं वेखो जी हरियाणा वाले तो बड़े जोर से तो वेखो हाँ जी भाई साहब आप कहाँ से हरियाणा तो जी बड़ी सोहनी मारी मेरे वीर ने क्या नाम क्या आपका प्रवीण मान है जी करनाल डिस्ट्रिक्ट विलेज बड़ा आए हैं जी कैसा लग तो रहा है भाई यही सोच के आएंगे मेरे जो बड़े भाई हैं मेरे जो बाबा समान हैं मेरे जो बुजुर्ग हैं उनको देख के नौजवानों को यहाँ आना चाहिए क्योंकि उनके जो बड़े माता पिता है सड़का बैठे हैं वो वहाँ पे बड़े बड़े मॉलों में शॉपिंग कर रहे हैं ये कोई थोड़ा ये थोड़ी होता है इनको देख के आए देखो सर्दी में यहाँ पे मौतें भी हो रही हैं ऐसा कुछ नहीं कि यहाँ पे इंजॉय किया जा रहा है मौत भी होने सब हर एक चीज़ का सामना किया जा रहा है यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि किसान आके बैठ के खा रहे हैं मजे में कोई मजे में नहीं है यहाँ पे सामना किया जा रहा है दिसंबर की सर्दी का बहुत ज्यादा सर्दी है सब बड़े बैठे अपने रूमा में हीटर चला गए शर्म करो किसान तुम्हारा भी पेट भरा है मारा किसान अपना पेट नहीं भरता पूरे हिंदुस्तान का पूरे वर्ल्ड का पेट भरना रहा उनका भी एक पड़ा है उन हीटर वाले कमरा मत आके यहाँ बैठने का बॉर्डर पे मैं तो इतनी कहूंगा जितने नौजवान हैं बेटा बेटी हैं अपने बॉर्डर पे अपने बुजुर्ग के साथ बैठो उसके सुख दुख में सहयोग दो बचाओ जिसका
हेल्प करो, यहाँ पे आके बैठो, मैं तो यही बात कहूंगा सब तक। तो बिल्कुल बहुत अच्छी बात की है। जय किसान, जय जवान। मैं तो जी यही गल कहना कि जो मोदी साहब है, इन्होंने जो काम कर रहे कानून तीन कानून काले बनाए है जिमें जिमीदारा के खिलाफ, वो गल ये है कि जिमीदार हिंदुस्तान दे ही है ते पंजाब भी कोई दूआ नहीं है। सो अज तक ये गल कहने जी कि जरा मोदी साहब है ये एक देश का राजा बन गया, राजा बन गया, इन्हें पिछला कोई तप किया वासी तपो राज राजो नरक, तपो राज राजो नरक। तो यह कहने का भाव मतलब मेरा ये है कि जिहड़ा देश का राजा हुंदा उह जिहड़ी पब्लिक है उन्हां दी देखभाल दे विच चंगा रखा चंगा करे, ते जिहड़े आ काले पीले कानून बनाई फिरदा कि नहीं इन्हां दे खिलाफ, ये बहुत गलत है। इन्हें इत्थे पब्लिक दे विच भी इन्हां क्या हिसाब दूंगा, तो तुहानूं राजा दा भी जाके क्या करूंगा ये। बिल्कुल जिहड़े राजे हुंदे ने कई वारी धर्मराज नूं भुल ही जांदे ने, हुण भुल्ले जी प्रशादे छकत घरां नूं चल जाणा। ये गुरु नानक देव जी का लंगर है, लंगर अटुट है, ये रहिंदी दुनिया तक खत्म नहीं होऊगा। बिलकुल भुलेखा मोदी साहब गवा दे पे, बिलकुल बेअंती लंगर चलते पे ने बाबा ने। मैनूं लगदा कि 40-50 फुट का तां टेबल ही लगा दिता। तो बिल्कुल हर पासे लंगर प्रशादा चलता पिया जी। आ देखो सर गुरु के भंडारे खुले चलते पे ने हर पासे, लगातार आप देख रहे हैं झंडिया वाली गड्डिया जिहड़ियां पंजाब तो वेखो किन्ना टाइम हो चुका इस वक्त रात का, लगातार लोग आ रहे ने। सो इतों का पूरा हाल इस वक्त जो प्रमुख तौर पर पहला लंगर जिहड़ा इत्थे आपां नूं मिलदा, तो एक बार आप अंदर की भी झात मार दिए क्योंकि पहला जिस दिन इन्हां दी शैड पई सी उस दिन आपां सारा दिखाया सी। सो कुछ ही घंटिया के करीब 7-8 घंटिया के 180 फुट लंबा जोड़ा सीगा शैड वो पा दिता गया सी। तो ये सारा देखो इधर भंडारे भरे हुए ने, पूरा शैड हर चीज़ जी है, पानी की गल ला लो, वरताने वास्ते बर्तन होर साजो समान हर तरह की जड़ी लोड़ींदी वस्तु है वो इत्थे आपां नूं प्राप्त है। सो बाबा सतनाम सिंह जी बैठे देख रेख करते पे ने, सो इन्हां ने शैड भी बड़ा वड्डा पाया, ते नाल जे मैं गल करां ते मोर भी पक्का ही कर लिया, ते दूजे पासे वाशरूम वगैरह कपड़े धोण दा होर सारे प्रबंध जिहड़े कीते ने। सो बाबा जी पक्के पैरी हुण तां मोर्चे लगे होए ने इत्थे, की कहिंदे जी? वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। संगत टीवी चैनल है देख रही है, संगतां नूं असीं दोबारा फिर फतेह बुलाउने आ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। के गुरु नानक पातशाह दी रहमत सदका साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज दी पवित्र धरती साहिब श्री गुरु आनंदपुर साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहब की वसाई हुई नगरी श्री आनंदपुर साहब की अपार बख्श सदका अज असी इस धरती ते दिल्ली जो कि आप संगतां सब जान रही ने कि तकरीबन 1.5 महीना चलिया जो किसान संघर्ष चल रहा, एक बड़ी वड्डी त्रासदी आ क्योंकि जिस कौम ने इस हिंदू धर्म वास्ते अपने शीश का बलिदान दिता हो उस रहबर साहब श्री गुरु तेग बहादुर साहब ने हंस बंस कौम ये अतवादी वक्वादी कई तरह प्रकार प्रचार करके लोगों के दहशत बनाई सी भी ये लोग इदा के ने अतवादी है वक्वादी है खालिस्तानी है, पर
आप दिया संगत के संयोग के नाल आप दिया शीशा का सदका गुरु की रहमत जो कि अज इतने बिल्कुल प्रतख प्रगट वापर रही है ना को बैरी नहे बगाना सगल सग हमक बने आई जो महाराज के गुरबाणी के उपदेश ने वो अज प्रतख इतने साक्षात जोड़े प्रतख प्रैक्टिकल हो रहे हैं। गुरु भाई का फरमान है खावो खर्चो रल मिल भाई टूट ना आवे वध दो जाई बिल्कुल उस तरह ही खेड वरत रही है क्योंकि साड़ी बुद्धि साड़ी सोच बहुत छोटी है। जिहड़ा अकाल पुरख परमेश्वर वाहिगुरू है ना इहदियां खेडां नूं उही जाण सकदा ते उदों महसूस किया जा सकता जिवें हवा चल रही है उहनूं महसूस किया जा सकता पकड़ी नहीं जा सकती। इस तरह ही गुरु दीआं रहमतां नूं महसूस किया जा सकता वह पकड़ च नहीं आउंदियां क्योंकि वह अंतना सिफती कहना है अंत अंतना वेखण सुनना है अंत उहनूं कोई भी उहदा कोई पैमाना ही नहीं हैगा जिन्ना उहनूं मापिया जा सके। पैमाना यही है जो संगत दे विच कोई खेड वरतौंदा गुरु परमेश्वर अकाल पुरख जिवें हुण वरत रही आ उदों इत्थे पता लगता भी उहदी परमेश्वर दी होंद की आ परमेश्वर कित्थे रहिंदा परमेश्वर किवें वरतदा परमेश्वर की कुछ नहीं कर सकता। सो इस करके असी तो पक्के की लाने से मोर्चे असी तो तुछ भरन आ गए साड़ी तो बुद्धि बहुत छोटी आ साडा तो एक निका जहा उपराला सी भी ये वो धरती आ वो आनंदपुर साहब आ जिस आनंदपुर साहब के उत्ते साहब श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी ने कश्मीरी पंडतों ने फरियाद की भी सच्चे पातशाह जी हो जे अज संसार उत्ते साडा धर्म नूं बचा सकदे ते साहब श्री गुरु नानक पातशाह दी गद्दी दे वास ही बचा सकदे सी। इस गद्दी दे विराजमान साहब श्री गुरु तेग बहादुर सी उहनां नूं बेनती की गुरु दसवें पातशाह ने अपने पिता जी नूं जो भी संगतां जाणदियां इतिहास उपदेश दे के भी पिता जी तुसीं जाओ जे तुहाडे जाण दे नाल इन्ने वड्डे संसार दे लोकां दी बचा हो सकदा रख्या हो सकदी आ इन्ने सुभाग बच सकते इन्ने परिवार जोड़े अनाथ होने बच्चे बच सकते तो साडा कोई नहीं असी अनाथ नहीं होवे क्योंकि वह अकाल पुरख परमेश्वर अकाल पुरख आप सी जी। पर उस कौम जिस की खातर गुरु महाराज ने एड्डी वड्डी कुरबानी दी अज उस कौम के नुमाइंदे साढ़े ना जो कर रहे आप जी ने पता उस तो बाद दसवें पातशाह ने यह बाई धार के राजे उदों ही भुल गए कुछ चिर बाद जो गुरु तेग बहादुर साहब ने अपने शरीर का बलिदान दिता औरंगजेब नूं ठल पई पर उस तो बाद छेती ही महाराज ने जो कौतक किए सानू सिखी लिबास दिता साड़ी पहचान बनाई श्री आनंदपुर साहब दे विचों ही सारा कुछ प्रगट किया महाराज ने। उस धरती उत्ते फिर इस जालम सरकार ने एक बहुत वड्डा हमला किया गुरु महाराज ने मजबूर किया भी तुसीं ये छड्ड दिओ क्योंकि तुहाडे इत्थे रहण दे नाल साडे बहुत उपरों दबाव पै रहा। पर जदों किसान इत्थे दिल्ली वास्ते कूच किया तो गुरु रहमत सदका कार सेवा संप्रदाय किला आनंदगढ़ श्री आनंदपुर साहब ते संयोगी जिहड़े सी सारिआं ने विचार कीती भी आपां वी उत्थे जा के किसानां वास्ते इक छोटा जिहा लंगर दा उपराला करिए जिस जगह ते असीं बैठे हैं इस जगह दे उत्ते एक 15x15 दा टेंट ला के ते थोड़ा जिहा उपराला कीता सी जो ते गुरु दी कृपा संगत दा संयोग जिवें जिवें संघर्ष लंबा हो गया उस तरह ही असीं फिर इहनूं विचार करके अगे ते इह 180 फुट लंबा शैड 30 फुट चौड़ा जो कि हुण इह छोटा लग रहा सानू उस दे नाल ही फिर सानू इत्थे पानी की बहुत वड्डी प्रॉब्लम सी जी पानी की घाट सी वो भी संगतां दे संयोग दे नाल बोर करा के पानी का प्रबंध किया जा चुका हुण इस टाइम संगतां दे संयोग दे नाल खा अपने संगत एड एड वालों जो कि इतने टेंट भी लाए गए आ एक बहुत वड्डा उपराला गुरु कृपा करन जिहड़ियां संगतां संगत टीवी राही संयोग करके अपनी दशा नूं दी किरदे विचों दसवंध भेज रही
असी अरदास कर रहे हैं गुरु नानक पातशाह रहमत करी उन्हां परिवारां विच सुख शांति चढ़दी कला परिवारां विच इतफाक उन्होंने कारवां विच बरकतां पावी ते तेरे दित्ते हुए उपदेश नूं अपनाउंदे हुए जिवें आप जी ने फरमान आ किरत करो नाम जपो ते वंड के छको ये उन्हां दी किरत कमाई दे ही संजोग दे नाल चाहे वह कोई देश पंजाब च बैठा हिंदुस्तान की धरती से बैठा चाहे देश विदेश कित भी बैठा उसके मन के इस वेले ही एक बहुत वड्डी उत्साह जागया होया कि साडे जो वीर भरा किसान खेती करन वाले ने उन्होंने उत्ते हिंदुस्तान जालम सरकार ने तीन कानून जिहड़े थापे आ वह वापस कराउण वास्ते जद्दोजहद कर रहे एक बहुत वड्डा संघर्ष चल रहा इनू धर्मयुद्ध किसान मोर्चा ही कहांगे क्योंकि सरकारां दी जिहड़ी आ जो अज स्टेटमेंट आई आ आस सी भी कोई ना कोई सुप्रीम कोर्ट देवेगा पर वह भी जिदा पंजाबी कहावत का भी गोंगलों ने मिट्टी झाड़ दी आ भी किसी बन्ने गल नहीं लगी हो सकता है संघर्ष होर लंबा चले इसनू मुख रखदे आ असी गुरु गढ़ी अरदास बेनती करदे आ सच्चे पातशाह जिवें अगे आप जी ने कृपा करके रहमत करके जिहड़े कार्ज कराए ने सानू तो कोई सोझी नहीं अगे भी जिहड़े कार्ज आने वाले आप सोझी समत बख्श के जिहड़े कार्ज होने ने वो आप दी रहमत करके वो करवा लैने हुण उपराला कर रहे हैं भी एक नवा शैड होर बनाईए जिहड़ियां संगतां ट्रालियां ट्रैक्टर लैके आ रही ने उन्हां दे कोल ते अपने रहण दा रैण बसेरा बनाया होया जिहड़े लोग सारे साडे वीर जिन्हां दे मन च एक बहुत वड्डा उत्साह भी असी भी जाके हौसला वधाई करिए किसानां दी गड्डियां लैके आउंदे उन्हां दे रहण दा प्रबंध बहुत घट सीगा जो अज साडे कोल इत्थे भाई रणधीर सिंह होनी भाई गुरप्रीत सिंह होणां ने आण के इत्थे टेंट लवा दित्ते आ ते जिहड़ा होर भी असी सोच रहे हैं भी एक शैड लाईए वो असी पक्का शैड जिवें लाया टीने दा वो लावांगे कि मौसम का कोई पता नहीं किहड़े वेले मौसम खराब हो सकता तो गुरु कृपा करन असीं ते आस करदे आ अरदास करदे आ भी गुरु नानक पातशाह है जिहड़ा संघर्ष आ छेती तो छेती कामयाबी वल वधे कामयाबी मिले पर जो परमेश्वर अकाल पुरख नूं भाउंदा असीं इस संघर्ष दे विच्चों असीं शताब्दियां मनाईआं उहनां दे विच्चों कई कुछ प्राप्तियां होईआं पर जिहड़ी आ शताब्दी मनाई जा रही है इहदे च बहुत वड्डी प्राप्ति होई इक कि एक सिख दी पछाण होई आ कि सिख कौण आ सिख की सीगा क्योंकि दूजे कम्मां दे विच सिखां नूं बड़ा इहो जे इल्जाम लाए गए भी ये अतवादी ने वक्खवादी ने पर अज जिहड़ी साडे वीर भरा इस संघर्ष नूं वेख रहे ने टी वी राही जो भी आप जी का इलैक्ट्रॉनिक मीडिया वो राही मैसेज जा रहे ने लेकिन जिहड़े वीर साडिआं दे मनां दे विच शंके सी वो इत्थे आण के खुद इत्थे रात नूं कई वेखी दा रात नूं 12-12 वजे ताईं कोई सोनीपत तों कोई दिल्ली तों कोई कितों रोहतक तों पटियाला अंबाला सारे शहरां चों मौका देखण आ रहा भी ये संघर्ष किवें चल रहा है लंगर पाणी किवें खा रहे ने इन्हां दा रहण बसेरा किवें हो रहा उन्हां दे मनां दे विच भी ये एक बड़ी वड्डी तड़प जागी आ कि असीं भी उन्हां दे नाल जा के अपना हौसला वधाई करिए उन्हां नूं शाबाशी देईए तगड़े हो भी असीं तुहाडे नाल आ ये भी एक बड़ी वड्डी प्राप्ति आ कि उह साडे जिहड़े भरा जिन्हां दे मनां च वहम सी कोई गलत फहमियां सी वो भी दूर हो रही ने गुरु कृपा कर ले बिल्कुल ये बहुत सारिया गलत फहमियां मैं समझा इस संघर्ष ने साड़ियाँ दूर कीतियां ने जी बाबा जी का बचन सुनदे सुनदे मेरे जहन च एक गल आई कि लोगों के मनों के साड़ी अक्ष जेड़ा ना क्योंकि खास तौर पर फिल्मों के जरिए बड़ा कुछ होंगे तो उन्होंने सानू ज्यादा शराबी तो ट्रक ड्राइवर इस तो वध होर कुछ नहीं बनाया कितने चुनिंदा फिल्मां सीगियां जिन्हां दे विच कोई सरदार का चंगा करैक्टर शो किया जाता सी नहीं तो मजाक का पात्र ही हासोहीना बनाया सी पर अज असली पंजाब ते असली सरदार जिहड़ा लोकां दे सामने आ गया बिल्कुल जी ये भी एक साडी वड्डी प्राप्ति आ कि जे कानून ना आउंदे ते हो सकदा सी ये पता नहीं किन्ना लंबा समा सानू ये लोकां दीआं जिहड़ियां सीगियां जिवें आप जी ने भाई गुरु सिंह दस्सिया भी फिल्मां दे चुटकले बना के दिखा दे सी पेश करदे सी असीं उसे जोगे रह जाणा सी पर अज गुरु ने कृपा कर दी आ कि सानू उन्होंने एक चंगे मुकाम से महाराज ने भेज दिता भी ये कौम जिहड़ी आ ये कौम गुरु नानक पातशाह जी दसवें पातशाह की जिहड़ी कौम आ जिहड़ी अरदास कर रहे नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला मनण वाली कौम आ
इसे तरह ही गुरु कृपा कर अपनी कौम से इस तरह मेहर प्रयास रखन जेडे कार्ज रेंदे आ गुरु रहमत करके अपन शीसा दे के असी बेनती करते हैं कि जेडे वीर साढ़े संघर्ष के कुदे आ वो जोश तो बहुत आ पर होश के नाल काम लैन जिदा कि होश के नाल काम लै रहे हैं वो जे गुरु कृपा करे इसे तरह ही होश इन्हों बख्शे जो कामयाबी है वो छेती होगी जी। तो बिल्कुल एक कामयाबी दे वल निरंतर वधन वाली गल है क्योंकि जिवें दा माहौल बनिया सुप्रीम कोर्ट नूं विच इनवॉल्व कर लिया किसी ना किसी ढंग दे नाल सरकार जां सरकारी नुमाइंदियां ने सो लंबा तो हो सकता है पर किसान डटे ने ते डटे रहणगे ते आखिर अपना ये हक लै के जाणगे। लंगर चाहे दिन रात इवें सारे दे भंडारे चली जा रहे ने वेखो आ पट्ठियां इवें चाह का लंगर तैयार हो रहा दाला तैयार हो रहा सारे सेवादार डटे ने हर पासे ही इतने भंडारे भरे पे ने अजे भी माइया जड़िया ने सेवा च लगिया ने इधर जी हाँ देखो लोह तक रही प इन्ना रात का समा हो गया रात के 10 बजे हुए हैं जी सवेर तो सेवा चलती है हाँ जी वाहगुरु जी का खालसा वाहगुरु जी की फतेह। तो बड़ी सेवा तड़के नहीं चलती है अजे भी आनंद चल रहा बहुत ज्यादा जी हाजी वाहेगुरु की कृपा वीर जी वाहेगुरु अपने हक दवावे ते घरां नूं जाईए सतगुर कृपा करनगे साडे पातशाह। सवेरे किन्ने कु बजे सेवा शुरू हो जांदी है प्रचार दे वाहेगुरु 8 बजे शुरू हो जांदी है हांजी 7 कु बजे लंगर है आटा उटा गुनना शुरू हो जांदा होणा हांजी मशीन च गुन्नी दा वाहेगुरु हांजी बिलकुल मशीन चलती इधर जेडे प्रशादे हाथी प्रशादियां दी सेवा देखो ये भी लगातार चलती है सवेरे 7 तो लैके हुण अजे 10-11 बजे तक इवें ही सेवा चलनी है तो फिर नाम जप के तो फिर विदायगी। तो ये सारा इधर हाल थोड़ा जिहा इधर तुहानू होर दिखा दिए सिंह अपने मोर्चे जिहड़े ने हौले हौले पक्के करी जांदे ने आ सारियां सब्जियां भाजियां वगैरह कट के रखियां ने धोता के सवेर वास्ते इधर इधर इस पिछले पासे बोर करवा लिया गया सी पिछली बारी जिहड़ा तुहानू दिखाया सी आ टैंकी रखवा ली आ उपर टैंकी रख ली है जी आ थले सारा पानी का सिस्टम है तो जगाड़ ही आ पर कम वधिया इधर वाशिंग मशीन भी रखती ने दो ते ही अगे पानी का एक टैंकर भी जड़ा अपने काम काज वास्ते ते एक वड्डा है एक तो छोटे छोटे तुसी वो देसी हीटर वेखे अपने पानी गर्म करने वाले तो ये वेखो पूरा वड्डा ही काम महाराज का पानी की टैंकी भी वड्डी आ पक्का ही जगाड़ आ भी थल्ले इतों टूटी खोलो तो गर्म पानी बाहर निकलेगा हाँ जी आखो हाँ निकलता गर्म पानी। सो इस ढंग का सारा सिस्टम बना दिता गया इधर थोड़ा जा होर प्रबंध आप जी दर्शा दीए जेडे कि संगत एड वालों ये जो टेंट जड़े ने लगाए गए ने क्योंकि जड़िया संगत पंजाब तो आउंदियां ने थोड़े समय वास्ते जिहड़ा जिहड़े को सेवादार भी इत्थे आए बैठे ने सो इत्थे 4 टेंट जिहड़े ने वो लगाए गए ने 2 टेंट वड्डे ने 2 छोटे वाले ने सो ये सारा इधर का प्रबंध जिहड़ा आपां देख सकते हैं। तो इस तों अगले पासे वाशरूम तैयार करवा दिते ने क्योंकि पानी का सिस्टम जरूरी सीगा पानी का प्रबंध हो गया तो उहदे नाल ही इन्हां टेंटां तों अगले पासे जो है वो वाशरूम ने इस गल की बड़ी दिक्कत आ रही थी सेवादारा बीबिया भैणों भी दूर नेड़े घर जाके
अपना सवेर के क्रियाक्रम करने पेंदे सी ते ये सारे प्रबंध इत्थे आ सेवादार वेखो पक्के जिहड़े बाबा जी दे नाल 24 घंटे सेवा करन वाले ने ते बिल्कुल इत्थे आनंद बनिया पिया महाराज दी मेहर दे नाल सेवादारां दे नाल वेखो इत्थे पूरा प्रबंध आ जी इत्थे गर्म पानी दा प्रबंध आपां वेख लिया दूसरा भी प्रबंध इत्थों पानी खुला क्योंकि पहले पानी की दिक्कत आती सी बार बार कैंटर मंगाने पैंदे सी वो भी वैसे लोड अनुसार रख्या होया सिस्टम सारा इत्थे नाल पर बोर करन दे नाल जिहड़ा काम बोर काफ़ी सहूलत हो गई है ते मैं समझदा कि ये जे होर लंबा खिंचया गया प्रोग्राम जे अजे ना सरकार मनी तो होर डेरे मैनू लगता होर पक्के होने इदा दे शैडा होर भी पता नहीं कितने कितने पैणगियां पर डटे आ धक्केशाहियां तो किसानों तो किसानों की जमीन खोण तक की जी सोच समझा बनी तो जिस ढंग के नाल विरोध एडा वड्डा एक एजीटेशन चलता पाया जिहदे उत्ते फुल दुनिया की नज़र है इंग्लैंड के 100 MPs ने इस गल के वास्ते जो है वो रिप्रजेंटेशन दी है तो साढ़े ढेसी साहब MP जड़े ने उन्होंने बड़ा योगदान है इस संघर्ष के संबंध में लोगों को लामबद्ध करते हैं तो इस ढंग के नाल पूरा इंटरनेशनल पद्धर के उत्ते इस गल लैके जिते चिंता आ उत्थे जिहड़े इत्थे डटे ने मोर्चे ते उत्ते उह पक्के पैरीं डटे होए ने कोई ऐसी गल नहीं चढ़दी कला गुरु साहब कृपा करनगे संघर्ष होर चढ़दी कला च अगे वधेगा।